हम सब ने ये पढ़ रखा है कि प्राचीन मानव अफ्रीका से माइग्रेट होकर अलग अलग दिशाओं में फैले। धीरे धीरे उन्होंने आग का आविष्कार किया, पेड़ पौधों को समझा और खेती करना सीखा। खेती करने के लिए उन्होंने नदियों के करीब बसना शुरू किया और फिर इन्हीं नदियों से प्राचीन सभ्यताओं की शुरुआत हुई। इस चैप्टर में हम एक ऐसी ही सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे जो यूफ्रेट्स और टिग्रिस नदी के बीच में पनपी थी, जिसे हम मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। आज के इराक में स्थित ये सिविलाइजेशन दुनिया के सबसे पुरानी सिविलाइजेशन में से एक है। ये वही मेसोपोटामिया है जहां दुनिया के सबसे पुराने शहर उभरे, राइटिंग्स का विकास हुआ और सबसे पुराने मंदिर बनाए गए। इसी मेसोपोटामिया से हमें दिन, हफ्ते और महीनों का ज्ञान प्राप्त हुआ। तो मेसोपोटामिया खास है अपने शहरों के लिए, अपने मंदिरों के लिए, अपनी लेखनी के लिए और इन सबसे अधिक अपनी कहानियों के लिए, क्योंकि मेसोपोटामिया की कहानी से मिलती जुलती कहानियां हमें बाइबल और तोरात में भी मिलती हैं। और मैथोलॉजी की माने तो क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म एंड इस्लाम के पैट्रियार्क माने जाने वाले अब्राहम का जन्म भी मेसोपोटामिया के उर नाम के शहर में हुआ था, जिसे हम इस चैप्टर में बहुत बारीकी से पढ़ेंगे। सो हेलो एवरीवन, आई एम सुधांशु एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू द प्लेटफॉर्म ऑफ ग्रीन रडार ह्यूमैनिटीज। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द स्टोरी ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ मेसोपोटामिया और शुरू करेंगे हमारे चैप्टर 1 को ऑफ क्लास 11 हिस्ट्री। एंड आई बेट कि आप इस वीडियो को जब पूरा खत्म कर लेंगे यू वॉन्ट बी हैविंग प्रॉब्लम्स इन एनी पैरा, एनी बुक्स, एनी इमेज, क्योंकि मैंने बहुत तफसील से इन सबको एक्सप्लेन किया है। जस्ट वॉच द वीडियो फॉर 10 to 15 मिनट्स, आपको जो डिफरेंस है वो पता चल जाएगा बिटवीन अस एंड अदर यूट्यूब चैनल्स। एंड इसके अलावा इस चैप्टर के नोट्स और एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करने के लिए हमारे ऐप को डाउनलोड जरूर करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने उसका लिंक डाल दिया है। एंड इफ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन फॉर मोर सच वीडियोस इन क्लास 11th एंड क्लास 12th। सो चलते हैं हम लैपटॉप स्क्रीन पे एंड शुरुआत करते हैं मेसोपोटामिया के इंट्रो के साथ। सो सबसे पहले शुरुआत करेंगे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के एक छोटे से इंट्रो के साथ कि आखिर ये सिविलाइजेशन क्या था। उसमें देखते हैं कि इस सिविलाइजेशन का नाम मेसोपोटामिया ही क्यों पड़ता है। तो मेसोपोटामिया के अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें तो ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, मीजोस एंड पोटामस। मीजोस का मतलब होता है इन द मिडल और पोटामस का मतलब होता है रिवर्स। और इसे मेसोपोटामिया इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो सिविलाइजेशन था वो दो रिवर्स यानी कि यूफ्रेट्स और टिग्रिस के बीच में पनपा था। अगर आप यहाँ पे मैप भी देखेंगे तो मेसोपोटामिया का जो कोर रीजन है जहाँ से सबसे पुराने सभ्यताओं की शुरुआत हुई ये इलाका था, दैट इज बिटवीन द रिवर यूफ्रेट्स एंड द टिग्रिस। इस तरफ आप नीचे की तरफ जो देखते हैं ये यूफ्रेट्स रिवर है और ऊपर की तरफ जो रिवर है वो टिग्रिस है। गॉट इट। इसके अलावा मेसोपोटामिया खास है बहुत सारी चीज़ों के लिए। सबसे पहले मेसोपोटामिया खास है अपने सिटी लाइफ के लिए क्योंकि यहीं पे सबसे पुराने शहर उभरे थे। आप यहाँ पे उरूक और ऊर देख रहे हैं ना, ये सबसे प्राचीन शहरों में से एक है। इसके अलावा मेसोपोटामिया खास है अपने प्रोस्पैरिटी के लिए क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पर ट्रेड और क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था। यहाँ के लोग इतने शौकीन थे कि लैपिस लजूलाई के लिए ये अपने लोगों को हड़प्पा भेजा करते थे, इंडिया भेजा करते थे। और मेसोपोटामिया खास अपने लिटरेचर के लिए, उन कहानियों के लिए जिसमें हमें गिलगमेश के बारे में बताया गया है, जिसमें हमें नोआ जैसे एक कैरेक्टर के बारे में बताया गया जिसने इंसानी सिविलाइजेशन ख़त्म होने से पहले एक ऐसी नाव बनाई जिससे कि इस सिविलाइजेशन को बचाया जा सके, इस बाढ़ से बचाया जा सके, उन कहानियों के लिए फेमस है जिसमें गिलगमेश नाम का राजा अमरत्व की तलाश में, इमोर्टैलिटी की तलाश में पूरी दुनिया घूम लेता है। इसके अलावा मेसोपोटामिया खास है अपने मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी के लिए। हमने जैसा इंट्रो में पढ़ा है कि मेसोपोटामिया से हमें बहुत सारे अल्जेब्रिक एल्गोरिदम, टाइम डिवीजन का कॉन्सेप्ट, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का कॉन्सेप्ट मिलता है। और ये जो मेसोपोटामिया की राइटिंग थी या जो इनका मैथमेटिकल ज्ञान था या जो इनका लिटरेचर था, ये मेसोपोटामिया से इजिप्ट और इसके आसपास के इलाकों में भी फैला, न केवल फैला बल्कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के ख़त्म होने के बावजूद भी बहुत दिनों तक रहा था। टू द पार्ट्स ऑफ वेस्ट एशिया लाइक सीरिया, तुर्की और इजिप्ट में इसके लैंग्वेज, इसके लिटरेचर, इसके मैथमेटिकल सिस्टम आज भी उनके कल्चर का एक हिस्सा है। सो दिस इज वाई मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन इज वेरी 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 स्पेशल। अब इस चैप्टर को शुरू करें ना, उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आपको थोड़ा सा वेस्ट एशिया की ज्योग्राफी में बता दूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टर्म जिनको मैं इस चैप्टर में यूज़ करूँगा, हो सकता है कि आपने या तो इनके नाम ना सुने हो या इनका नाम अगर सुना होगा तो शायद इसका मतलब नहीं जानते होंगे। एंड एट द ब्लेड एंड हम सारी चीज़ों को डिकोड कर देते ताकि आपको वीडियो देखने के बाद कोई कन्फ्यूजन ना रहे। दिस इज़ आवर स्पेशलिटी बाय द वे एंड दिस इज़ वाई यू शुड सब्सक्राइब आवर चैनल। सो यहाँ पे मेरे सामने वेस्ट एशिया का मैप है, वेस्ट एशिया एंड द मिडिल ईस्ट। यहाँ पे सबसे पहले जानेंगे मिडिल ईस्ट वर्ल्ड का मतलब। देखो ईस्ट जो है ना वो यूरोपियंस एशिया को कहते हैं ईस्टर्न वर्ल्ड, ठीक है, और इसको ओरिएंटल वर्ल्ड भी कहा जाता है। सो ईस्टर्न वर्ल्ड इज ऑल्सो नोन एज ओरिएंटल। आपने नाम सुना होगा ओरिएंटल फैशन, ओरिएंटल कुजीन, तो वो सब ईस्टर्न एशियन फैशन या एशियन कुजीन को ये कहते हैं। और ईस्ट यानी कि एशिया और यूरोप के बीच में जो इलाका आता है इसको कहते हैं ये लोग
मिडिल ईस्ट एंड मिडिल ईस्ट इज दिस पोर्शन, ये जो पोर्शन है ये आपका मिडिल ईस्ट है। इसमें ईरान को इंक्लूड नहीं करते क्योंकि ईरान जो है वो साउथ एशिया का ही पार्ट माना जाता है, और इसमें तुर्की को भी नहीं शामिल करते क्योंकि तुर्की एनातोलिया है और वो एकदम यूरोप से कनेक्टेड है। सो तुर्की को एनातोलिया भी कहते हैं। आगे इस एनातोलिया टर्म का यूज़ हम करेंगे चैप्टर थर्ड में, तो तभी आप कन्फ्यूज मत होना, ये आज का तुर्की है। सो मिडिल ईस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, इसमें ये सारे इलाके आ गए। अब बात करते हैं एक और रीज़न है लेवांट का। लेवांट का जो रीज़न है ये जब आप देखते हैं यहाँ पे, दिस इज़ द मेडिटेरेनियन सी, और ये जो मेडिटेरेनियन सी है इससे लगते हुए कुछ देश लगते हैं जिसमें आपका सीरिया आता है, लेबनान आता है, इज़राइल पैलेस्टीन आता है, जॉर्डन आता है और इजिप्ट आता है। इस सबको कलेक्टिवली लेवांट कहा जाता है। लेवांट इसलिए कहा जाता है क्योंकि लेवांट एक फ्रेंच टर्म है जिसका मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ से सूरज उदय होता है, और यूरोपियंस के लिए चूंकि ईस्ट से सूरज उदय होता है और मेडिटेरेनियन तो उनके लिए समंदर ही है, उधर से ही सूरज उगेगा, तो इस रीज़न को इन्होंने कहा लेवांट क्योंकि यहीं से सूरज उगता है। लेवांट के अलावा आपको इस छोटे से आइलैंड के बारे में भी जानना जरूरी है। दिस आइलैंड इज कॉल्ड एज साइप्रस। साइप्रस इसलिए खास है क्योंकि मेसोपोटामियंस का इनसे व्यापार होता था। इसके अलावा आपको एक और टर्म से वाकिफ होना है, दैट इज फर्टाइल क्रीसेंट। फर्टाइल क्रीसेंट का मतलब होता है, फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ, और क्रीसेंट का मतलब होता है चंद्रमा, आधे चंद्रमा की आकृति। अगर आप इस पूरे इलाके को देखेंगे तो इट इज़ सम हाउ काइंड ऑफ क्रीसेंट, एक चंद्रमा की तरह है। और फर्टाइल क्रीसेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे सबसे एंशियंट सिविलाइजेशन उभरे, एंड इसको क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। क्रैडल मतलब पालना, जहाँ पे छोटे छोटे एंशियंट सिविलाइजेशन उभरते हैं एंड वो बहुत बड़े विशाल हो जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे बात करें, सबसे पहले मेसोपोटामिया आया, उससे कनेक्टेड यहाँ पे फिनोशियन सिविलाइजेशन इमर्ज होता है, फिर इजिप्शियन सिविलाइजेशन इमर्ज हुआ। ये जो मेसोपोटामिया है वो यूफ्रेट्स और टिग्रिस किनारे इमर्ज होता है, इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो है वो नील के किनारे इमर्ज हुआ। और ये नदियों का सिविलाइजेशन से ना खास रबता होता है, खास रिलेशन होता है, क्योंकि नदियाँ एक तो फर्टिलिटी प्रोवाइड करवाती हैं आसपास के रीजन में, और दूसरा नदियों से पीने का पानी मिलता है। इसलिए आपने जितने भी प्राचीन सभ्यताओं को देखा होगा या उनके बारे में पढ़ा होगा तो वो सब किसी न किसी नदी के किनारे बसते हैं या उभरते हैं। जैसे आप इंडस वैली को भी देखेंगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि हरप्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है, उसके जो मेजोरिटी के साइट्स हैं, अधिकतर साइट्स उसके या तो इंडस और या तो उसके ट्रिब्यूटरी, चाहे वो रावी हो गया, व्यास हो गया, इन सब नदियों के किनारे बसे थे। सो दिस इज वाई दिस होल रीजन इज नोन एज फर्टाइल क्रीसेंट, क्योंकि यहाँ पे सबसे पुराने सभ्यताओं की शुरुआत हुई। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और जाननी जरूरी है कि मेसोपोटामिया में कोई एक सभ्यता नहीं थी, कोई एक दिखने वाले लोगों ने इस पूरे 2000 सालों तक शासन या सभ्यताओं को नहीं बढ़ाया। यहाँ पे अलग अलग जगह से लोग आए, उन्होंने अपने कल्चर को यहाँ पे स्थापित किया, अपने डोमिनेंस को स्थापित किया, फिर दूसरे कल्चर के लोग आए, उन्होंने उनको हटाया, अपने डोमिनेंस को स्थापित किया। सो मेसोपोटामिया इस मिक्सचर ऑफ मेनी सिविलाइजेशन। तो जैसा कि हमने बात की है, मेसोपोटामिया जो है वहां पे कोई एक सिविलाइजेशन नहीं पनपी, दैट वाज अ मिक्सचर ऑफ मेनी सिविलाइजेशन, और इसी वजह से इस पूरे इलाके को कहा गया द क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन। सबसे पहले सभ्यता की शुरुआत होती है एकदम सदर्न रीजन से, जिसको सुमेर कहा जाता है। ये जो मेसोपोटामिया है इसका सदर रीजन सुमेर कहलाता है, और मेसोपोटामिया के जो मेजर रीजन है वो इराक में आते हैं। इसीलिए लेमन टर्म में जब आपसे पूछा जाए कि मेसोपोटामिया किस कंट्री का पार्ट था तो वो इराक का पार्ट कहा जाता है। सो अर्बनाइज्ड साउथ, मतलब यहीं पे सबसे पहले शहरीकरण की शुरुआत हुई। जो सबसे प्राचीन शहर है उरूक और ऊर, वो सदर्न पार्ट में ही आपको देखने को मिलेंगे, और इस पूरे रीजन को कहा गया सुमेर। और सबसे पहले जो सिविलाइजेशन पनपी, दैट वाज सुमेरियंस। सुमेरियंस के बाद अकेडियंस आते हैं। अकेडियंस केम फ्रॉम द नॉर्थ इराक, एंड उन्होंने सुमेरियंस को बाहर फेंक दिया, और इस पूरे इलाके पे यूफ्रेट्स और टिग्रिस के बीच नॉर्थ से साउथ के बीच का पूरा इलाका उनके कंट्रोल में आ गया। सो दिस वॉज अ मैप ऑफ अकेडियन सिविलाइजेशन, और इसके क्षेत्र को देखते हुए चूंकि ये बहुत बड़ा एरिया ऑक्यूपाई कर रहे थे तो हमने इसको अकेडियन अम्पायर का नाम दिया। सो दिस वॉज अ फर्स्ट अम्पायर ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। अकेडियंस केम टू पावर एंड फॉर्म एन अम्पायर, और इनका जो सेंटर था वो यहाँ अक्कड़ हुआ करता था। इसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे 2000 BC के आसपास इसी सदर्न मेसोपोटामिया में एक शहर पनपता है बेबीलोन नाम का। यहाँ के जो निवासी थे देवर वेरी शार्प, देवर वेरी पावरफुल, तो ये शहर धीरे धीरे और पावरफुल होता गया, और अकेडियंस कमज़ोर हुए तो इस शहर के निवासियों ने अपनी सत्ता वहाँ पे स्थापित कर ली, और यहाँ से शुरुआत होती है बेबीलोनियन एम्पायर की। और उसके बाद ये जो पूरा साउथ का रीजन है अब सुमेर के नाम से नहीं बल्कि बेबीलोनिया के नाम से जाना जाता था। बेबीलोन वॉज अ सिटी एंड द होल ऑफ रीजन वॉज नोन एज बेबीलोनियन। उसके बाद क्या होता है, सीरिया के नॉर्थ से कुछ लोग आए, एंड दे वर सेंटर्ड अराउंड द रीजन कॉल्ड असीरिया,
और उन्होंने फिर बेबीलोन पे कब्जा कर लिया और इस पूरे इलाके पे अपना आधिपत्य जमा लिया। तो उसके बाद ऑलमोस्ट 1100 BC के आसपास असीरियन एम्पायर की शुरुआत होती है, जो कि मेसोपोटेमियन सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा एम्पायर बना। आप देख सकते हैं कि अपने पीक पे ये इजिप्ट तक पहुंच गया था। इसके बाद असीरियस भी कमजोर पड़ता है, जैसा कि हर एम्पायर के साथ होता है। एंड और उसके बाद वापस से बेबीलोन के जो निवासी थे वो पावर में आ गए और वहां से शुरुआत हुई नियो बेबीलोनियन एम्पायर की। तो जब हम सीक्वेंस बनाते हैं तो सबसे पहले सुमेरियंस आए और इनका जो टाइमलाइन है वो 3500 से 3000 BC के आसपास का है, और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन भी हम लोग मानते हैं कि 3500 BC के बाद ही शुरू हुआ है, क्योंकि उसके बाद ही शहरी जीवन शुरू हुआ। लोग यहाँ पे पहले भी रह रहे थे, एग्रीकल्चर पहले भी हो रहा था, बट जो शहरी जीवन है वो 3500 BC के आस बाद ही शुरू होता है, एंड दे इमर्ज फ्रॉम द सुमेर रीजन। उसके बाद अकेडियंस आते हैं, उसके बाद बेबीलोनियंस आते हैं, और इसी बेबीलोनिया में एक रूलर हुआ था हमुराबी नाम का, जिसने दुनिया का सबसे पहला संविधान दिया था, कोड ऑफ कंडक्ट, जिसको हमुराबी कोड ऑफ कंडक्ट भी कहते हैं। उसी में आँख के बदले आँख का कॉन्सेप्ट था, हाथ के बदले हाथ का कॉन्सेप्ट था। उसके बाद आते हैं असीरियंस, और उसके बाद आते हैं नियो बेबीलोनियंस, और नियो बेबीलोनियंस के बाद पर्शियंस ने अटैक करके इस मेसोपोटामियन रीजन को अपने कंट्रोल में ले लिया। उसके बाद ऑफिशियली ये जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है वो ख़त्म हो गया, कभी ये इलाका रोमन्स के कब्जे में, तो फिर कभी ये इलाका पर्शियंस के कब्जे में होने लगा। सो दैट वाज द स्टोरी ऑफ डिफरेंट सिविलाइजेशन ऑफ मेसोपोटामिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, इससे पहले कुछ MCQs सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज नॉट द पार्ट ऑफ फर्टाइल क्रीसेंट। अभी हमने आपको फर्टाइल क्रीसेंट के बारे में बताया है, आपको बताना है कि कौन सा रीजन उसका पार्ट नहीं था, लेबनान, पैलेस्टीन, यमन या इजिप्ट। आपको अपना जवाब कमेंट बॉक्स में देना है, और जितने भी सही जवाब है वो मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पे आपके सामने चार स्टेटमेंट है, आपको चारों स्टेटमेंट को एनालाइज करना है और उसके बाद सही जवाब देना। पहला स्टेटमेंट है कि सुमेरियन वाज द फर्स्ट सिविलाइजेशन ऑफ मेसोपोटामिया। दूसरा स्टेटमेंट है कि असीरियंस के बाद अकेडियंस जो है वो अकेडियंस के बाद आए, अकेडियन सिविलाइजेशन फॉलोड द अकेडियन सिविलाइजेशन। उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट है मेजर रीजन ऑफ मेसोपोटामिया इज इन इजिप्ट। और इसके बाद जो लास्ट ऑप्शन है, दैट इज कि मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट वाज यूज्ड इन इंडिया एंड चाइना। आपको देखना है कि इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, एंड देन यू हैव टू मार्क द स्टेटमेंट, और हमें कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। आई वुड लव टू सी योर कमेंट्स, इससे मुझे पता चलेगा कि आप लोग सीरियसली इस वर्कशॉट को पढ़ रहे हैं और चीज़ों को समझ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के डिस्कवरी की कहानी को शुरू करते हैं। Why it was discovered, how it was discovered. तो डिस्कवरी की शुरुआत होती है 1840s से, और इस डिस्कवरी के बाद हमें मेसोपोटामिया की इमारत मिलते हैं, उनके बिल्डिंग्स मिलती है, उनके ऑर्नामेंट्स मिलते हैं, उनके कब्रों से वाकिफ होते हैं, किन टूल्स को इस्तेमाल करते थे, किन सील्स को इशू करते थे वो देखते हैं, और रिटन टैबलेट्स भी मिलते हैं जिन पे मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट इंस्क्राइब्ड थी, क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट, जिसको आगे पढ़ेंगे हम लोग। और कुछ एक साइट तो ऐसे थे मेसोपोटामिया के जहाँ पे दशकों तक एक्सकेवेशन चलता रहा, दी साइट्स वेयर उरुक एंड मारी। और यहाँ पे आपको ये चीज़ गौर करनी है कि आखिर क्या ऐसी वजह थी जिसके कारण मेसोपोटामिया के कुछ साइट्स पे और ओवरऑल मेसोपोटामिया पे ही इतने इंटेंसिव तरीके से एक्सकेवेशन और रिसर्च कैरी आउट किया गया। रीज़न है मेसोपोटामिया का मिथिकल कनेक्शन। मेसोपोटामिया जो है उसका जिक्र बाइबल ओल्ड टेस्टामेंट में किया गया है, और उससे ही आप देखेंगे तो इंजील निकलता है और तौरात निकलता है, जो कि यहूदी, ईसाई और मुसलमान तीनों ही रिलीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेसोपोटामिया की जो ज़मीन है, जिसको हम लोग सुमेर कहते हैं, सदर मेसोपोटामिया का रीजन, उस रीजन को ओल्ड टेस्टामेंट में शिमार नाम से रेफर किया गया है। और हमने बताया था आपको कि मेसोपोटामिया में ही इब्राहिम का जन्म हुआ है, जिनको कि इन तीनों रिलीजन के लोग अपना पैट्रियार्क मानते हैं। तो इन सब कारणों की वजह से जब यूरोपियंस ने मेसोपोटामिया में एक्सकवेशन शुरू किया तो उन्होंने मेसोपोटामिया को अपने पूर्वजों की ज़मीन की तरह देखा, और इस वजह से जो एंथुजियाज्म था वो बहुत ज़्यादा हाई था। वो ये कोशिश कर रहे थे कि जो कहानी ओल्ड टेस्टामेंट में मेंशन्ड है उनको मेसोपोटामिया के एक्सकैवेशन से निकले सबूतों की मदद से हम सच साबित करें और दुनिया को ये प्रमाण दे कि हमारा रिलीजन बहुत साइंटिफिक है और ये सत्य है, तुत है। तो इस वजह से आप देखेंगे कि तो बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन जो है उनको प्राइवेट फंडिंग मिली थी। प्राइवेट फंडिंग मतलब, जैसा एक एग्जांपल हमें 1873 में देखने को मिलता है, एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर कंपनी थी, उसने एक पूरे के पूरे आर्कियोलॉजिस्ट टीम को फंड किया था इस बात के लिए कि आप वहाँ पे जाइए और ये जो फ्लड की स्टोरी है आपने सुना भी होगा, नोआ की स्टोरी हमारी मनु की स्टोरी से मिलते जुलती है कि गॉड की तरफ से फरमान आए कि दुनिया ख़त्म होने वाली है और आपको एक ऐसी नाव बनानी चाहिए जिसमें आप दुनिया को संभाल सकें। मतलब आप क्या करें, इंसानी प्रजाति, जानवरों की प्रजाति और पेड़ पौधों की प्रजाति को उस नाव पर रखें, सबका एक एक जोड़ा रखें और यहाँ से दूर निकल जाए, मेसोपोटामिया से दूर चले जाए ताकि आप बच पाएंगे। तो जो ओल्ड टेस्टामेंट में कहानी है उसमें नोआ हमारे एक्टर हैं, नोआ हमारे हीरो हैं,
और मेसोपोटामिया में भी ऐसी मिलती जुलती कहानी हमें देखने को मिलती है। तो वहां पर जो एक्टर है उसका नाम ज़ियोसूत्र है। तो जब इस कहानी के बारे में लोगों को पता चला मेसोपोटामिया के टैबलेट से, तो लोगों ने अब उसके एविडेंस को ट्रेस करने की सोची कि किसी भी तरीके से इस कहानी को हम नोआ की कहानी से कनेक्ट करके इसको सही साबित करेंगे। लेकिन धीरे धीरे उन आर्कियोलॉजिस्ट को, उन हिस्टोरियंस को पता चला कि ये जो ओल्ड टेस्टामेंट या बाइबल में जो कहानी है वो हो सकता है पूरी तरीके से सत्य ना हो, वो एक सबक सिखाने का हमारा तरीका हो सकता है कि स्टोरी के जरिए हमसे मोरल जो टीचिंग्स है वो सिखाई जा रही है। सो बाय 1960s इट वाज अंडरस्टूड द स्टोरीज ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट वाज नॉट लिटरली ट्रू। और उसके बाद मेसोपोटामियन एक्सकवेशन की प्रायोरिटी बदल गई। अब लोग उन बाइबल या ओल्ड टेस्टामेंट की कहानियों को सच साबित करने के लिए नहीं, बल्कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को जानने के लिए एक्सकेवेट कर रहे थे। अब वो जानना चाहते थे कि आखिर वहाँ के ऑर्डिनरी लोगों की लाइफ कैसी थी, कैसा जीवन बिताते थे, किन चीज़ों का व्यापार करते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे। इसीलिए समय के साथ जब ये प्रायोरिटी बदली तो अब आर्कियोलॉजिकल टेक्निक्स जो थी वो और सोफिस्टिकेटेड और स्पेसिफिक और एडवांस हो चुकी थी। सो दिस वॉज द रिजल्ट ऑफ शिफ्ट इन प्रायोरिटी। और उसके बाद हमें बहुत सारे ऐसे लैंडमार्क माइलस्टोन देखने को मिलते हैं इन द डिस्कवरी ऑफ मेसोपोटामिया। सो दैट वॉज द स्टोरी ऑफ डिस्कवरी ऑफ मेसोपोटामिया। अब आगे बढ़ते हैं मेसोपोटामिया की ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिर किन चीज़ों ने मेसोपोटामिया में सेटलमेंट्स और सिविलाइजेशन को पॉसिबल बनवाया। सो अगर ज्योग्राफी की बात करें, हेयर वी हैव द मैप। ये आपका एक यूफ्रेट्स रिवर है और ये इस तरफ से टिग्रिस बहती हुई आ रही है। इनकी अपनी अपनी ट्रिब्यूटरीज हैं, इनकी भी अपनी अपनी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो मेसोपोटामिया के अगर नॉर्थ ईस्ट में अगर आप बात करेंगे इस रीजन में, तो यहाँ पे ऐसे प्लेन्स हैं जो आप ब्राउन और ग्रीन कलर का रीजन देख रहे हैं, वहाँ पे एग्रीकल्चर पॉसिबल है बिकॉज ऑफ द फर्टिलिटी। तो इन रीजन में सबसे पहले खेती की शुरुआत हुई। इस पूरे इलाके में हमें 7,000-6,000 BC के एग्रीकल्चर के एविडेंस इसी इलाके से मिलते हैं। इसके अलावा जब आप नॉर्थ में जाएंगे तो इस इलाके में यहाँ पे स्टेपी है। स्टेपी मतलब घास के बड़े बड़े मैदान, जो कि आप तस्वीर भी देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। और इस स्टेपी की वजह से यहाँ पे एनिमल हर्डिंग हो पाती है। तो इस मेसोपोटामिया के रीजन में एग्रीकल्चर भी पॉसिबल था और इसके साथ साथ एनिमल हर्डिंग यानी कि पशुचारण भी पॉसिबल था। और इसके वजह से साथ साथ एग्रीकल्चरलिस्ट और पेस्टोरलिस्ट भी रह सकते थे। एंड ईस्ट में अगर आप बात करेंगे तो ट्रिब्यूटरीज जो है टिग्रिस की, वो अपने रिवर ट्रांसपोर्ट के थ्रू ईरान के माउंटेन्स में जाने का जगह देते हैं। अगर आपने वेस्ट एशिया का मैप देखा होगा तो ईरान के जस्ट, इराक के जस्ट ईस्ट में ईरान पड़ता है, तो ईरान के माउंटेन्स पहले पड़ते हैं। सो द ट्रिब्यूटरीज ऑफ टिग्रिस प्रोवाइडेड अ रूट। और जो रिवर्स और उनकी ट्रिब्यूटरीज हुआ करती थी वो एक ट्रांसपोर्टेशन चैनल के तौर पे भी काम करते थे। और अगर साउथ की बात करें मेसोपोटामिया का, तो वो एक डेजर्ट था। ये जो पूरा इलाका देखते हैं ये डेजर्ट है, और इसी डेजर्ट में सबसे पहले शहर उभरे। यहीं पे लोगों ने भारी पैमाने पर रहना शुरू किया। अब आप इस सोच में पड़ गए होंगे कि डेजर्ट में आखिर ये क्या खासियत है कि इतने लोग वहाँ पे सेटल होना शुरू करते हैं और वहीं से सबसे पहली शहरों का निर्माण हुआ। तो इसके कारणों को हम देखेंगे अगले स्लाइड में। यहाँ पे एक बार आपको सम अप करके बता दें, मेसोपोटामिया की ज्योग्राफी एज पर द इमेज ऑफ एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी की इमेज है और ये आपका यूफ्रेट्स रहा, ये टिग्रिस रही। टिग्रिस की आप ट्रिब्यूटरीज देख रहे हैं, ये माउंटेन्स में जा रही है, दैट इज द माउंटेन ऑफ ईरान। इसके अलावा ये सदर्न रीजन है, इसमें आपका उरूक है, उर है, बेबीलोन है, बगदाद भी आज का जो वो सदर्न मेसोपोटामिया में ही आता है, और ये टिग्रिस रिवर के निकट बसा हुआ है। कभी आप बगदाद का मैप देखेंगे तो बहुत प्लैंड, बहुत खूबसूरत बसाया गया था, हालांकि समय के साथ वो सारी चीज़ें बर्बाद हो गई। इसके अलावा ऊपर में स्टेपी है और यूफ्रेट्स नदी के बीच में मारी नाम का एक शहर पड़ता है, जिसके बारे में आगे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं कि आखिर डेजर्ट में ऐसा था क्या जिससे लोगों का सर्वाइवल वहाँ पर इंश्योर हो पाए। सो हाउस इट इज इमर्स्ड इन द डेजर्ट। सबसे पहले अगर बात करें यूफ्रेट्स और टिग्रिस रिवर की, तो वो बहती है नॉर्थ से साउथ की तरफ, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ। तो जैसे जैसे वो नीचे आती है ना, वैसे वैसे सॉइल इरोजन होता है। आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, नदियां जो है मिट्टी काटते हुए नीचे आगे बढ़ती हैं। तो जब वो मिट्टी काटते हुए आगे बढ़ती है ना, तो जिस इलाके में बाढ़ आया वहाँ पे उसने उस मिट्टी को डिपॉजिट भी किया है, और उस मिट्टी को हम लोग कहते हैं सिल्ट। तो ये जो सिल्ट है ना, वो बाय नेचर बहुत फर्टाइल होता है। तो जहाँ पे भी बाढ़ आएगा, और यूजुअली बाढ़ कब आता है, जब नदियाँ एकदम नीचे की तरफ जाती हैं, शुरू ऊपर में तो बाढ़ आता नहीं है। तो जब ये सदर डीजन में पहुंचती थी, तो यहाँ पे बहुत बाढ़ से क्या होता था, पानी ओवरफ्लो होता था, तो ये जो सिल्ट था वो वहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है। तो इस सैकड़ों हजारों साल के सिल्ट जब डिपॉजिट होते हैं ना, तो उस पूरे इलाके में फर्टिलिटी का एक लेयर बनाते हैं। सो बिकॉज ऑफ दिस डिपॉजिट ऑफ सिल्ट, ये जो पूरा इलाका था वो फर्टाइल हो पाता था। इसके अलावा क्या होता था, ये जो फर्टिलिटी थी ये तो अवेलेबल हो गई बिकॉज ऑफ द सिल्ट। अब इरीगेशन के लिए क्या होता है, जब यूफ्रेट्स और टिग्रिस नीचे आते हैं ना, तो ये ओवरफ्लो होने के कारण बहुत सारे छोटे छोटे चैनल्स में बहने लग जाते हैं। और ये जो चैनल्स हैं, इसको आप एक नेचुरल कैनाल भी मान सकते हैं, नहर भी मान सकते हैं। इसको लोगों ने नहीं बनाया, बाय नेचर ये बन गया। और ये धीरे धीरे लोगों के खेतों तक पहुंच जाते थे, या लोगों ने खुद थोड़ी सी मेहनत करके उन चैनल्स के थ्रू, जैसे ये रिवर है आपका
यूफ्रेट्स, इसने क्या किया, ओवरफ्लो होके ये इस तरफ थोड़ा बहने लगी। अब लोगों का खेत इस तरफ है, लोगों ने क्या किया, मिट्टी काट के एक छोटा सा आर्टिफिशियल नहर बना दिया जिससे ये चैनल से पानी उनके खेतों तक पहुंच सकता था। सो दी चैनल्स वर्कड एज एन इरिगेशन कैनल और इस वजह से इस पूरे सदर्न रीजन में एग्रीकल्चर पॉसिबल हो पाया। पहली चीज सिल्ट, जिसने कि इस पूरे ज़मीन को फर्टाइल बनाया। अब चूंकि इस इलाके में रेन वाटर उतना होता नहीं है तो इरिगेशन के लिए पानी कहाँ से आएगा, तो पानी जो है वो इंश्योर किया यूफ्रेट्स और टिग्रिस की ओवरफ्लोइंग होने वाले चैनल्स की वजह से। सो पानी पॉसिबल हो पाया यूफ्रेट्स और टिग्रिस की ओवरफ्लो होने वाले चैनल्स की वजह से। और अगर मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस की बात करते हैं तो ये जानना जरूरी हो जाता है कि एग्रीकल्चर के अलावा मेसोपोटामियंस क्या करते थे जिससे उनका सर्वाइवल हो पाता था। सो देर वर टू मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस प्राइमरली, एग्रीकल्चर एंड द पेस्टोरलिज्म। एग्रीकल्चर के बारे में अगर बात करें तो दो जो चीज़ है उसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, एक तो जो डिपॉजिटिंग ऑफ सल्ट है वो, और दूसरा जो नेचुरल चैनल्स थे यूफ्रेट्स और टिग्रिस के, उसकी वजह से इस पूरे सदर्न रीजन में इतनी अच्छी एग्रीकल्चर होती थी कि इस एग्रीकल्चर को सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर माना गया अमंग ऑल द एंशियंट सिस्टम। और ये कहते हैं कि रोमन एम्पायर से भी ज़्यादा प्रोडक्टिव था, जो कि आने वाले बहुत सालों बाद डेवलप हुआ। और इस एग्रीकल्चर के अलावा जो मेसोपोटामियंस के लोग थे वो पाम फ्रूट्स पे भी निर्भर रहते थे, छोटे छोटे फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स पे भी निर्भर रहते थे। नाउ एग्रीकल्चर के अलावा पेस्टोरलिज्म वाज अनदर मींस ऑफ सब्सिस्टेंस। चूंकि स्टेपी का भरमार था वहाँ पे, घास के मैदानों की कमी बिल्कुल नहीं थी, तो वहाँ पे वो अपने बकरियों को अपने भेड़ों को चढ़ा सकते थे इन द ईस्टर्न प्लेन्स और इन द माउंटेन स्लोप्स जो कि नॉर्दर्न इलाकों में पड़ता है। तो जो पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी थी वो अपने जानवरों से मीट, उल और मिल्क वगैरह प्रोड्यूस किया करते थे, और इनका ये किसानों से व्यापार करके उनके उनसे अनाज ले लिया करते थे। तो देर यूज टू बी द बार्टर सिस्टम, जिसमें किसानों को मिल्क की जरूरत होती थी, वुल की जरूरत होती थी, और पशुचारण करने वाले लोगों को अनाजों की जरूरत होती थी, तो ये दोनों एक्सचेंज कर लिया करते थे। इसके अलावा ये जो पैस्टोरलिस्ट है ये कभी कभी फिशिंग भी किया करते थे फॉर द पर्पस ऑफ सर्वाइवल। सो इट वॉज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फूड सोर्स फॉर द स्पेशली पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटी। सो दिस वॉज द मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस। और जनरली जो ग्रामीण इलाके थे मेसोपोटामिया के, जहाँ पे एग्रीकल्चर और पैस्टोरलिज्म होता था एक प्राइमरी ऑक्यूपेशन, वो सेल्फ सफिशिएंट होते थे, मतलब इनको किसी और गांव पे या किसी शहर पे निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जो भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है ये खुद से उगा लिया करते थे, जैसे किसान जो है वो अनाज उगाया करते थे और पेस्टोरलिस्ट की मदद से मिल्क, वुल और मीट प्रोवाइड हो जाता था, और ये दोनों आपस में इनको एक्सचेंज कर लिया करते थे। लेकिन जब हम शहरों की बात करते हैं तो शहर बनते हैं सेल्फ सफिशिएंसी के कमी के कारण, क्योंकि किसी शहर में हर चीज़ नहीं हो सकती। शहरों में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं और उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे टूल्स लगते हैं, बहुत सारे रॉ मटेरियल्स लगते हैं, बहुत सारे ऐसे कारीगरों को बुलाना पड़ता है जो हो सकता है अलग शहरों से आए हो। फॉर दैट रीज़न लैक ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी नीडेड, फॉर दैट रीज़न म्यूचुअल डिपेंडेंसी इज नीडेड। तो अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि आखिर वो कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने मेसोपोटामिया के शहरी जीवन को डेवलप करने में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। सो नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्बनिज्म, द इम्पॉर्टेंस ऑफ अर्बनिज्म। उसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि मेसोपोटामिया के शहरों में आखिर कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म होती थी। सबसे पहले वहाँ पे होता था ट्रेड, अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर वहाँ पे ट्रेड होता था, मैन्युफैक्चरिंग होती थी, मैन्युफैक्चरिंग वो भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स की। ऐसे ऐसे आभूषण बनाए जाते थे जिनका रॉ मटेरियल वहाँ पे मिलता भी नहीं था, जैसे लैपिस लजुलाई है, गोल्ड है, ये सब मेसोपोटामिया में उतना नहीं था। लैपिस लजुलाई तो बिल्कुल नहीं था, लैपिस लजुलाई वो लोग अफगानिस्तान शॉर्टो वही से मंगाया करते थे जो इंडस वैली का पार्ट था। इसके अलावा बहुत सारी सर्विसेज थी वो प्रोवाइड की जाती थी, बहुत सारे स्क्राइब रहते थे वो लेखनी किया करते थे, रिकॉर्ड कीपिंग भी होता था। इसके अलावा चूंकि मेसोपोटामिया के शहरों में टेम्पल्स होते थे तो वहाँ पे रिलीजियस सेरेमनी भी एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी थी। और जब आप इन इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ को देखेंगे तो उसके बेसिस पे शहरों का अपना फीचर होता था। उसमें सबसे पहला फीचर आता था लैक ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी। जब आप बहुत सारे क्राफ्ट प्रोड्यूस करते हैं ना तो आपको अलग 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 शहरों पर निर्भर रहना पड़ेगा। जैसे आप लैपिस लजुलाई का कोई आभूषण बनाते हैं तो जो सुनार है उसको लैपिस लजुलाई का आभूषण बनाना आता है, उसको लैपिस लजुलाई आएगा कहाँ से, वो प्रोक्योरमेंट नहीं आती है, और वो जो रॉ मटेरियल था वो वहाँ पे मिलता भी नहीं था। लैपिस लजुलाई आता था शॉर्टोगई से, वो सुनार के हाथ में पहुँचा, सुनार ने क्या किया, आभूषण बना दिया। अब वो निर्भर है दूसरे आदमी पे, वो क्या करेगा, उन आभूषणों को अलग अलग जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट करके उनको बेचेगा। सो शहरों में कभी भी सेल्फ सफिशिएंसी नहीं हो सकती, उनको हमेशा किसी न किसी काम के लिए दूसरे गांवों पे या शहरों पे निर्भर रहना पड़ता है, फॉर द रॉ मटेरियल, फॉर द पर्पस ऑफ मार्केटिंग, फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग गुड्स, फॉर द पर्पस ऑफ गेनिंग ऑर्नामेंट्स, गेनिंग टूल्स। इस वजह से जो है आपको मेसोपोटामियन शहरों में लेबर का डिविजन भी देखने को मिलेगा कि भाई हर आदमी अपने अपने काम में स्पेशलाइज्ड है और उसके अलावा वो कुछ नहीं करता। जैसे जो सुनार है उसको केवल आभूषण बनाना आता है, उसका रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा वो उसे नहीं मालूम, उसके सामान कैसे दूर दराज इलाकों तक भेजे जाएंगे, उसका अरेंजमेंट कैसे होगा, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है।
और इस वजह से जो है सोशल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ती है। जब आप इतने बड़े क्राफ्ट को प्रोड्यूस करते हैं ना, तो इसमें बहुत सारे प्रोसेस इन्वॉल्व हैं। सबसे पहला प्रोसेस होता है कि आपको रॉ मटेरियल लाना पड़ता है, और वो आपको दूर दराज इलाकों से लाना पड़ेगा क्योंकि मेसोपोटामिया में स्टोन्स और मेटल्स उतने अवेलेबल नहीं थे। इसके अलावा आपको टूल्स चाहिए, वो भी आपको बनाना पड़ता है, क्योंकि जो सुनार है उनके जो टूल्स हैं वो तो लोहार बनाता है जनरली, वो भट्टी और वो जो छोटे छोटे लोहे के टूल्स होते हैं उनको वो लोहार से प्रोक्योर करता है। इसके बाद क्राफ्ट प्रोडक्शन, क्राफ्ट को बनाना, जो कि कारीगर बनाते हैं, और कई बार कारीगरों को भी बाहर से लाना पड़ता है अगर उस शहर में कारीगर नहीं है तो। इसके बाद जब क्राफ्ट बन गया तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे उनको अलग अलग शहरों तक पहुंचाया जाएगा, इसमें ट्रैवल का एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है, ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, और उसके बाद उनकी प्राइसिंग सेट की जाती है और उनको बेचा जाता है, सो सेलिंग ऑफ गुड्स। इन सब के लिए एक संगठन का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप आज के ज़माने में देखते होंगे कि आईटी सेक्टर का अपना एक संगठन है, मेटल प्रोडक्शन वालों का अपना एक संगठन है, और कलेक्टिवली सारे इंडस्ट्रीज़ का अपना एक संगठन होता है, फिक्की नाम का एसोचैम करके भी एक संगठन है। तो वो क्या करता है, इन सारे सेक्टर्स में चीज़ें स्मूथली चलती रहे उसको इंश्योर करता है। ऐसे संगठन हमें मेसोपोटामिया में भी देखने को मिलते हैं, और ये चीज़ जब आप एंशंट सिविलाइजेशन, किसी भी एंशंट सिविलाइजेशन को पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, फिर चाहे वो इंडस वैली हो, फिर चाहे वो अर्ली महाजनपद हो। सोशल ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ मेसोपोटामिया के शहरों में ऑर्गेनाइज ट्रेड और स्टोरेज भी था। ऑर्गेनाइज ट्रेड क्योंकि सामान दूसरे जगहों से आ रहा है तो उनको उचित दामों पे बेचा जा सके, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको वो खरीद सके। इसके अलावा स्टोरेज भी बहुत ज़रूरी था क्योंकि शहरों में बहुत सारी आबादी रहती थी, और हर बार जो है एग्रीकल्चर पिछले साल जैसा नहीं हो सकता, हो सकता है कि इस साल बारिश कम हो, अकाल पड़ जाए, तो अगर हमारे पास एग्रीकल्चरल जो सामान है, जो अनाज है वो बच गया है, तो उसको स्टोरेज करने की भी फैसिलिटी होनी चाहिए ताकि आने वाले समय में अगर अकाल पड़ता है तो हमें सफ़र न करना पड़े। इसलिए शहरों में स्टोरेज की जो सुविधा है वो होती थी, न केवल अनाजों के स्टोरेज की बल्कि क्राफ्ट के स्टोरेज की भी। अगर मान लीजिए बहुत सारे क्राफ्ट्स आपने बना लिए जो कि बिक नहीं पा रहे हैं, तो उनके स्टोरेज के लिए भी जगह चाहिए। और इसके साथ साथ अथॉरिटी भी होती है। अथॉरिटी का काम होता था कि ये सारी चीज़ों को वो कंट्रोल करे और सुचारू ढंग से चलाए। और चूंकि इतने ट्रांजेक्शन्स होते थे, इतने क्राफ्ट प्रोड्यूस होते थे, इतने सारे देशों के साथ व्यापार होता था, तो रिकॉर्ड कीपिंग भी ज़रूरी था। अब आप कितने ट्रांजेक्शन को मुँह जबानी याद रखेंगे, रिकॉर्ड कीपिंग ये एक ट्रांजेक्शन को याद करने का भी तरीका था और ट्रांजेक्शन का एक सबूत भी होता था। तो इसी रिकॉर्ड कीपिंग से शुरुआत हुई लेखनी की। जब उन्होंने रिकॉर्ड को एक जगह पर दर्ज करना शुरू किया तो फिर धीरे धीरे स्क्रिप्ट डेवलप होती है और फिर लेखनी डेवलप हुई। तो जब हम राइटिंग और सेटल लाइफ चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो लेखनी का विकास ही हुआ है सेटल लाइफ की वजह से। अगर शहरी जीवन नहीं पनपता तो हो सकता है कि राइटिंग को पनपने में, राइटिंग को आने में, लेखनी को आने में बहुत वक्त लग जाता। सो बिकॉज ऑफ द हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेड ट्रांजेक्शन, रिकॉर्ड कीपिंग बिकेम द मस्ट, एंड इस वजह से जो है राइटिंग की शुरुआत हुई। सो सेटल लाइफ पेव द वे फॉर द राइटिंग। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है, मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन। अर्बनिज्म के एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट को समझने के लिए आपको इस तस्वीर को देखना पड़ेगा। ये तस्वीर मेसोपोटामियन क्राफ्ट प्रोडक्शन का एक बेहतरीन नमूना है। इसको वारका हेड नाम दिया गया है। इसमें एक महिला का जो है ना हेड बनाया गया है, चेहरा बनाया गया है। ये स्टोन का बना हुआ है। इसमें आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ एक ग्रुप भी लगाया गया है जिससे लग रहा है कुछ इसने मुकुट टाइप का पहना है। इसके अलावा इसकी आंखों को देखिए कितना बेहतरीन कार्व आउट किया गया। कहा जाता था कि इसकी आंख में लैपिस लजुलाई लगा हुआ था। तो इस हेड को बनाने के लिए बहुत सारे मटेरियल्स लगे हैं। लैपिस लजुलाई लगा है, फिर शेल लगा है, फिर आपके बिटुमेन लगे हैं जिससे ब्लैक कलर का जो होता है। इसके अलावा इसको बहुत हार्ड स्टोन पे सरफेस किया गया ताकि ऐसी जो छवि है, चेहरा है, वो निकल पाए। यहाँ पे आप इंट्रिकेसीज देख सकते हैं, जिस तरीके से इसका एक्सप्रेशन है, बहुत छोटी सी स्माइल ये दे रही है। तो इस इंट्रिकेसी, इस लाइवली नेचर के कारण इस मूर्ति को एक बहुत हाई रेवरेंस में रखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है क्राफ्ट प्रोडक्शन के नमूने के तौर पे, मेसोपोटामियन क्राफ्ट प्रोडक्शन के नमूने के तौर पे। सो दिस वारका हेड वॉज एन एग्जाम्पल कि कैसे अलग अलग मटेरियल से क्राफ्ट प्रोड्यूस किए जाते थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, समझते हैं कि आखिर इन मटेरियल से जो सामान बनते थे इनको कैसे अलग अलग जगहों पर पहुँचाया जाता था। सो बिफोर वी मूव इन टू द ट्रांसपोर्टेशन, लेट्स सॉल्व सम एमसीक्यूज अगेन। अब तीसरा एमसीक्यू हमारे सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल वॉज यूज इन स्कल्पचर नेम्ड एज वारका हेड। अभी अभी हमने पढ़ा है किस मटेरियल का इस्तेमाल हुआ था, लैपिस लजुलाई, शेल, बिटुमेन या ऑल ऑफ द एबव। आपको जवाब बताना है इन द कमेंट बॉक्स, बिल्कुल हेजिटेट मत हो। आपको जो भी सही जवाब लगता है आप कमेंट बॉक्स में बताइए, आई विल गिव यू द हर्ट फॉर योर एफर्ट्स। उसके बाद जो अगला एमसीक्यू है, आपको ऑड वन पता करना, मतलब जो भी चार ऑप्शन मैंने यहाँ पे दिया है सब में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी है, एक जो है वो अलग है, एंड यू हैव टू फिगर आउट द ऑड वन। यहाँ पे मैं छोटा सा हिंट दे देता हूँ, आप इन चारों शहरों को उनके एरियाज में देखो कौन कहाँ पे लोकेटेड है, उसमें आपको सिमिलैरिटी मिल जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन को देखते हैं।
सबसे पहले ये जानेंगे कि आखिर मेसोपोटामिया में ट्रांसपोर्टेशन की नीड थी क्यों। तो ट्रांसपोर्टेशन की जो नीड है ना वो दो कारणों से थी, एक तो ट्रेड, मेजर जो रीजन था दैट वाज ट्रेड, और थोड़ा बहुत पिलग्रिमेज की वजह से भी, क्योंकि बहुत सारे शहरों में इंपॉर्टेंट टेम्पल्स थे, जैसे ऊर एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर था, उरूक में टेम्पल्स थे, तो वहाँ भी लोग जाया करते थे पिलग्रिमेज की वजह से। और अगर बात करें मेसोपोटामिया के ट्रेड की, सो वाई द ट्रैवल वॉज रिक्वायर्ड, क्योंकि मेसोपोटामिया के ट्रेड में जो क्राफ्ट्स बनते थे, जिनका व्यापार होता था, तो उन क्राफ्ट्स को बनाने के लिए जो मेटल्स हैं, जो स्टोन्स वगैरह हैं, वो उनके पास नहीं होते थे। सो वॉट मेसोपोटामियंस यूज टू डू, वो अपने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को उनके बदले में एक्सचेंज किया करते थे। मेसोपोटामिया में एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता था, बहुत तादाद में इनके पास अनाज था, एंड दे यूज टू एक्सचेंज दैट फॉर द स्टोन्स एंड मेटल्स नीडेड फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन। और इसके लिए वो तुर्की से ट्रेड करते थे, ईरान से ट्रेड करते थे, हमसे भी, हरप्पन सिविलाइजेशन के लोगों से भी ट्रेड किया करते थे। एंड अगर बात करते हैं मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट की, तो रिवर ट्रांसपोर्ट जो था दैट वाज द इफिशियंट एंड मोस्ट इफिशियंट एंड द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। और जो अनाज के रैक्स हैं, बोरिया है या मेटल्स हैं, ये सब रिवर्स के थ्रू बोटों से इनको लाया जाता था। बोट जो है बेसिकली वो दो वजहों से बहुत चीपेस्ट और इफिशियंट हो रहा था। पहला कि बोट में ना आपको चारा कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लैंड रूट के थ्रू ट्रेड करते हैं तो उसमें आप घोड़े के थ्रू सामानों को लाएंगे या ले जाएंगे, तो उसमें आपको घोड़े के चारे का व्यवस्था करना पड़ेगा। फिर घोड़े थकेंगे तो आपको उस उतने टाइम तक उनको आराम देना पड़ेगा, तो वो जो टाइम है आपका वो गंवाया आपने। रिवर बोट्स के साथ ये प्रॉब्लम है रही, जो नाव है वो या तो रिवर के करंट से बढ़ते हैं, या अगर करंट के अपोजिट हमें जाना है तो हमने विंड का इस्तेमाल करना होता। तो वो आपने देखा होगा फिल्मों में कि ये क्या करते थे, वो लोग मास्क लगा दिया करते थे बोट्स के ऊपर, देखा होगा कि बड़े बड़े पर्दे उनके टंगे हुए, तो वो क्या करता था, हवा को चीरता था और अपोजिट डायरेक्शन में हवा उसको ले जाया करती थी। तो रिवर बोट्स और बार्जेस लोडेड विद सैक्स ऑफ ग्रेन्स एंड मेटल्स, दे यूज टू गेट प्रोपेल्ड बाय द रिवर करंट, या तो रिवर करंट के थ्रू, जैसे रिवर का फ्लो अगर नॉर्थ टू साउथ है तो ये कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, जस्ट आप बोट डाल दें, आप वो खुद ही बढ़ेगा। अगर हमें अपोजिट डायरेक्शन में जाना है तो हमें विंड को चीर के जाना पड़ेगा, तो उसके लिए पर्दे लगा। दिस इज वाई ये जो बोट था, दे वाज द मोस्ट एफिशिएंट मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। और ये जो मेसोपोटामियन रिवर्स के कैनाल्स थे, नेचुरल कैनाल्स जो उनके चैनल्स थे, ये उनको बहुत बड़ा एक्सेस देते थे। जैसे हमने मान लेते हैं किसी शहर में कोई सामान प्रोड्यूस किया और उसको यूफ्रेट्स तक पहुंचाने के लिए, यूफ्रेट्स है ना, सीधे उनके चैनल्स कनेक्टेड थे और इनके थ्रू बोट्स में जाए और फिर मेन यूफ्रेट्स में मिल जाते थे ये नाव, और फिर ये जो है आगे ट्रैवल किया करते थे जिस भी तरफ इन्हें जाना है। सो दैट यूज टू बी द इफिशियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। और इस ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, खास करके रिवर ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, कुछ शहर तो बिल्कुल इस ट्रेड की वजह से ही डेवलप हुए थे। जैसे मारी एक एग्जांपल है, मारी इस यूफ्रेट्स के बीच में पड़ता था, और मारी चूंकि बीच में पड़ता था तो जो भी सामान अंदर आते थे साउथ के रीजन में, या जो भी सामान साउथ से बाहर जाते थे तुर्की की तरफ, सीरिया की तरफ, तो उनको मारी में ना टैक्स देना पड़ता था, और उस वजह से मारी के राजाओं ने बहुत पैसा कमाया था। सो दीज वर द टाउन्स विच डेवलप्ड बिकॉज ऑफ ट्रेड ओनली। अब आगे बढ़ते हैं, मेसोपोटामियन राइटिंग्स की शुरुआत करते हैं कि आखिर इस राइटिंग, ये जो लेखनी है, जो सबसे प्राचीन लेखनी है, इसकी शुरुआत हुई कैसे। सो अर्ली राइटिंग्स वेयर इन द फॉर्म्स ऑफ सिम्बॉल्स। अगर हम बात करें तो सबसे पहली राइटिंग्स हमें मिली है 3200 BCE की, जो टैबलेट्स हैं उसमें कोई स्क्रिप्ट नहीं है बल्कि पिक्चर लाइक साइंस है। जैसे बैल के लिए इस साइन का इस्तेमाल किया गया है, ग्रेन और फिश के लिए इस टाइप के साइन का इस्तेमाल करा गया, ऊपर ग्रेन है और नीचे आप देख सकते हैं फिश है, बोट्स के लिए इस टाइप के साइन का इस्तेमाल करा गया है। और देर वेयर अप्रॉक्सीमेटली 5000 लिस्ट ऑफ ऑक्सन, फिश, ब्रीड लोव्स एक्सेट्रा, तो बहुत सारे साइंस थे। फिर धीरे धीरे जो है स्क्रिप्ट डेवलप हुई, और ये जो स्क्रिप्ट डेवलप हुई उसको हमने कहा क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट। सो क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट के पीछे की कहानी ये है कि इट इज़ मेड अप ऑफ टू लैटिन वर्ड्स, लैटिन अलग है, ग्रीक अलग है। तो ये जो दो लैटिन वर्ड्स है वो है क्यूनस और फॉर्मा। क्यूनस का मतलब होता है वेज, मतलब नुकीला, और फॉर्मा का मतलब होता है शेप। क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट को क्यूनिफॉर्म नाम इसलिए दिया गया क्योंकि बहुत नुकीली थी। अगर आप शेप देखेंगे ना, दिस इज द टैबलेट, ये टैबलेट है, क्ले टैबलेट होता था, चिकनी मिट्टी का ही बनता था, और इसमें अगर आप देखेंगे तो जो स्क्रिप्ट है ना बहुत नुकीली आपको दिख रही है, आप देख रहे हैं देर इज अ शार्प शेप, तो इस वजह से जो इसका नाम पड़ा क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट। इसकी शुरुआत कहीं पे 3200, कहीं पे 3000 BCE कही जाती है, बट NCERT ने कहा है कि बाई 2600 BCE उसके बाद के जितने भी टैबलेट्स हमें मिल रहे हैं वो सारे क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट को यूज़ कर रहे थे। लेकिन जो सबसे अर्लीस्ट टैबलेट था जो हमें 3200 BCE के आसपास के मिले, उसमें साइंस अवेलेबल थे। सो ये जो क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट है, ऐसा कहा जाता है कि ये सुमेरियंस ने एकदम लेटर पार्ट में डेवलप की थी, और उसके बाद अकेडियंस, बेबीलोनियंस सब ने इसको अडॉप्ट किया। लैंग्वेज बदलते रहे बट स्क्रिप्ट एक ही रही। अब हम बात करते हैं कि आखिर ये जो राइटिंग था ना, इसमें अलग अलग प्रोसेस इन्वॉल्व होते थे, और ये बहुत
टफ टास्क होता था। मेसोपोटामियंस पहले तो स्टोन पे लिखते नहीं थे, क्ले पे लिखते थे, मिट्टी का बना होता था ये, और राइटिंग वॉज डन बाय स्क्राइब्स, एक स्पेशल प्रोफेशनल होते थे जिनको स्क्राइब कहा जाता था। और बहुत सारे ऐसे हमें बेंचेस मिले जिसपे स्क्राइब्स बैठ के राइटिंग्स किया करते होंगे। जब हम आगे चल के मारी के पूरे रॉयल पैलेस के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो उसमें एक कमरा था जिसमें पत्थर के वो बेंच बनाए हुए थे जिसपे बैठ के स्क्राइब्स उनको लिखा करते होंगे, टैबलेट्स के ऊपर आकृति बनाया करते होंगे यूनिफॉर्म वाली। तो ये जो यूनिफॉर्म राइटिंग है इसको टैबलेट पर लिखने के लिए अलग अलग स्टेप से गुजरना पड़ता था। सबसे पहला स्टेप ये होता था कि स्क्राइब को क्ले का बना हुआ एक टैबलेट, क्ले से बना हुआ एक टैबलेट बनाना पड़ता था और अपने हाथ में अपने हाथ के साइज का, ताकि उसी के ऊपर उनको रख के उसको लिखना है। सो स्क्रेब यूज टू वेट द क्ले पैटर्न टू अ साइज जिसको वो अपने हैंड में होल्ड कर सके। उसके बाद इन द सेकेंड स्टेप सरफेस को स्मूथ किया जाता था, चिकना किया जाता था ताकि जब उस पर लिखे तो अच्छे से दिखे। और उसके बाद इन द थर्ड स्टेप, उस टाइम में क्या किससे ये लोग लिखा करते थे तो कलम वगैरह थी नहीं, एक खास प्रकार की घास आती है जिसको रीड कहते हैं और उसकी जो टिप होती है वो बहुत नुकीली होती है, उससे उस क्ले के टैबलेट पे जो तभी गीला होता था उस पर लिखा जाता था, क्योंकि गीला टैबलेट है तो आसानी से आप कुछ भी उकेड़ सकते हैं उस पर। तो वहाँ पे वेज शेप्ड साइंस यानी कि जो क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट है वो लिखी गई, जो भी उस टैबलेट में इन्फॉर्मेशन लिखना है वो लिख दिया हमने। उसके बाद चौथे स्टेप पे उन टैबलेट्स को सुखा दिया जाता था। सुखाने से मतलब ये था कि अब जो भी चीज़ें उस पर लिखी गई है वो परमानेंट हो गई है, उसको अब कोई नष्ट नहीं कर सकता है। हाँ, तोड़ सकता है बट नष्ट नहीं कर सकता, वो चीज़ें मिट नहीं सकती है। सो दैट वॉज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ राइटिंग। अगर हम बात करें मेसोपोटामियन टैबलेट्स की तो देवर मेड अप ऑफ क्ले, ये थोड़ा सा आप ऑब्जेक्टिव के लिए, और इवन सब्जेक्टिव में अगर आपको लिस्ट करना हो कि व्हाट वर द फीचर्स ऑफ मेसोपोटामियन टैबलेट्स, और बहुत सारे मिले हैं हमें, हजारों सैकड़ों की तादाद में मिले हैं। एंड चूंकि ये इतने तादाद में इसलिए मिले क्योंकि हर ट्रांजेक्शन के लिए हमें अलग टैबलेट की ज़रूरत पड़ती थी। फॉर एग्जांपल आपने एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर दिया और उसको आपने जब सुखा दिया ना तो उसके बाद उसके ऊपर आप कुछ लिख नहीं सकते, आपको अगर दोबारा कुछ उसमें रिकॉर्ड करना है तो नया टैबलेट चाहिए आपको। इवन तो आपका स्पेस बचा हुआ बट फिर भी आप नहीं लिख सकते बिकॉज इट इज़ ड्राइड नाउ, इसको आप भिंगाएंगे तो वापस सारी चीज़ें जो लिखी है वो आपकी बर्बाद हो जाएगी। एंड इस टैबलेट पे किससे लिखा जाता था तो रीड से लिखा जाता था, ये खास प्रकार की घास होती थी जिसका टिप बहुत नुकीला होता था। दिस इज वाई जो भी चीज़ें उस पर लिखी जाती थी ना वो बहुत वेज शेप्ड का होता था, नुकीला होता था, और यहीं से यूनिफॉर्म जो नाम है वो अस्तित्व में आया है। अब अगर बात करें लैंग्वेज की, क्योंकि ये स्क्रिप्ट तो यूनिफॉर्म ही रही बट लैंग्वेज समय के साथ बदलता रहा। जैसे यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट में शुरुआत में जो लैंग्वेज थी वो सुमेरियन थी, फिर उसके बाद जब अकेडियंस का ज़माना आया तो उन्होंने कहा कि स्क्रिप्ट यही रहेगी बट लैंग्वेज हमारा चलेगा। सो बाय 2400 BC लैंग्वेज वॉज चेंज टू अकेडियन लैंग्वेज। इसके बाद बहुत ज़माने तक अकेडियन लैंग्वेज में ही एक यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट लिखी जाती रही टिल द 1st century CE। इसीलिए जब मैंने आपको पहले स्लाइड में ये बताया था कि मेसोपोटामियन लिटरेचर और मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट जो है वो मेसोपोटामिया से बाहर सीरिया, तुर्की और इजिप्ट में फैला और बहुत दिनों तक फॉलो करता रहा और वहाँ के लोग इसे बहुत दिनों तक फॉलो करते रहे, तो आई वॉज नॉट जोकिंग, दिस हैपेंड लिटरली। ये 1200 साल बाद की बात है जब मेसोपोटामिया पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है तब भी इनकी चीज़ों को लोग फॉलो कर रहे हैं। एक और चीज़ है जो मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट को बहुत खास बनाती है और इवन बहुत डिफिकल्ट भी बनाती है, वो है इनका सिस्टम ऑफ राइटिंग। आपको लगता हो कि जैसे हमारे यहाँ अल्फ़ाबेट होता है ABCD या ओआ होता है या उर्दू में हमारे पास अलिफ बे होता है, ऐसा ही क्या इनके पास अल्फ़ाबेट का सिस्टम था? तो अल्फ़ाबेट का सिस्टम नहीं था, इनके पास सिलेबल्स होते थे। सिलेबल्स मतलब जैसे ग्रुप ऑफ, उसमें एक वोवेल होगा और बाकी 2-3 कॉन्सोनेंट होंगे, इस टाइप का एक सिलेबल होता है, यानी कि ग्रुप ऑफ लेटर्स, उसमें एक वोवेल तो होगा ही होगा, इसके आसपास 1-2 कॉन्सोनेंट होते हैं, और ऐसे सैकड़ों सिलेबल्स मिलके वो लैंग्वेज फॉर्म करते थे। सो क्यूनिफॉर्म साइंस डिडंट रिप्रेजेंट एनी काइंड ऑफ वोवेल और कॉन्सोनेंट बट दे रिप्रेजेंट सिलेबल्स, एंड सिलेबल्स को याद करना उससे चीज़ें बनाना और मुश्किल होता है। आप खुद ही सोचें, लेटर जो है सबसे बेसिक फॉर्म है, इससे हम बहुत सारे शब्द बना सकते हैं, ठीक है, ABCD सबसे एकदम माइक्रो फॉर्म है अल्फ़ाबेट का, और इसमें अगर सिलेबल होगा, सिलेबल जो है 2-3 अल्फ़ाबेट से मिल के बना, तो इससे जब हम लिखना शुरू करेंगे तो कितनी मुश्किलें होंगी। सो स्क्राइब जो है वो बहुत निपुण होता था एंड ही हैज़ टू बी वेरी इंटेलेक्चुअल, वेरी मच प्रोफिशिएंट इन राइटिंग, और इसीलिए जो है राइटिंग सभी को नहीं आती थी बिकॉज इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू लर्न। सो राइटिंग वाज अ स्किल्ड क्राफ्ट, अगर ये किसी को आता था तो ये एक बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट माना जाता था, इसको लोग सेलिब्रेट किया करते थे। तो चूंकि राइटिंग जो है एक डिफिकल्ट टास्क था एंड मेनी ऑफ द पीपल कुड नॉट रीड एंड राइट, तो एक बार ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि आखिर मेसोपोटामिया में लिटरेसी कितनी थी। जो ये टैबलेट्स इतने लिखे जा रहे थे जिसमें ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड हैं, स्टोरीज लिखी जा रही हैं, तो उनको कितने लोग पढ़ लिख पाते थे।
सो जितने भी हमें टैबलेट्स मिले हैं और उनसे पता चलता है मेसोपोटामिया की जनरल लाइफस्टाइल को एनालाइज करके कि बहुत सारे लोग पढ़ लिख नहीं पाते थे, कुछ ही लोग जो है वो पढ़ पाते थे, लिख पाते थे, बहुत सारे राजा भी इवन पढ़ लिख नहीं पाते थे, और अगर कोई राजा पढ़ लिख पाता था तो उसको बाकायदा रिकॉर्ड करवाता था क्योंकि एक सेलिब्रेशन, एक अचीवमेंट था उसके लिए। सो इफ अ किंग वुड हैव रेड और राइट, तो उसको उसने रिकॉर्ड करवाया होगा या उसको उसने बाकायदा घोषणा करवाई होगी। और राइटिंग जो मेसोपोटामिया की थी, दैट रिफ्लेक्टेड द मूड ऑफ स्पीकिंग, कोई फॉर्मल राइटिंग नहीं होती थी। अगर आप यहाँ पे एक एग्जाम्प्ट देखेंगे एनसीईआरटी का, मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट उठाया है, इसमें एक लेटर है और लेटर वैसे ही लिखा जाता था जैसे लोग अपने भाषा में बोलते हैं, जैसे क्या, टू माई लॉर्ड, मेरे आका के लिए, मेरे महाराज के लिए, स्पीक दस सेज योर सर्वेंट, और वो कहता है, ये वर्ड भी वहाँ पर रहता था, स्पीक टू माई लॉर्ड, वो कहता है, जैसे मैंने किसी को लेटर लिखा टू अभिनव, और फिर मैं लिखूंगा अपनी बात ना, मैं ये थोड़ी लिखूंगा कि मैं ये कहता हूँ कि मैंने ऐसे ऐसे किया या मुझे ये चाहिए। तो चूंकि ये एकदम मोड ऑफ स्पीकिंग में होते थे तो इन सब चीज़ों को भी लिखा जाता था कि मेरे आका, मैं ये कहता हूँ, आई स्पीक एंड दस दिस इज दैट एंड देन आई हैव कैरीड आउट द वर्क असाइन टू मी, एक मोड ऑफ स्पीकिंग के तौर पर होता था, ठीक है। उसके अलावा आप एक मिथिकल पोएम भी देख सकते हैं जिसमें दैट इज़ अबाउट द क्रिएशन, कि कहा जा रहा है कि लेट दीज वर्सेस बी हेल्ड इन द रिमेम्बरेंस एंड लेट द एल्डर टीच देम, लेट द वाइज वन एंड द स्कॉलर डिस्कस देम, लेट द फादर रिपीट देम टू हिज सन्स, लेट द ईयर ऑफ द हर्ट्समैन बी ओपन टू देम। मतलब कुछ ऐसी कहानी लिखी गई है जिसको कहा जा रहा है कि इसको अंतिम समय तक जीवंत रखना है और सारे लोग इसकी चर्चा करें, बाप जो है अपने बेटों को सुनाए और ये इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो कि जो हर्ट्समैन है, जो पेस्टोरलिस्ट हैं, जिनको इन सबसे बिल्कुल मतलब नहीं है, वो भी इनके आदि हो जाए। सो दैट इज़ हाउ, इससे पता चला कि मेसोपोटामियंस अपने लिटरेचर को, अपने पोइट्री को कितना रेवर करते थे, कितनी इज्जत दिया करते थे। सो दैट वॉज बेसिकली द लिटरेसी इन मेसोपोटामिया। अब आगे बढ़ते हैं मेसोपोटामिया के इन राइटिंग्स के इस्तेमालों को समझते हैं कि वाई द राइटिंग वॉज नीडेड और इसका ये लोग क्या क्या करते थे, अपार्ट फ्रॉम रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन और भी काम थे राइटिंग्स के। सो वो देखते हैं अगली स्लाइड में। अब लिटरेसी से आगे बढ़ते हुए ये जानते हैं कि आखिर ये जो टैबलेट्स लिखे जा रहे थे और ये जो मेसोपोटामिया के राइटिंग एग्जिस्टेंस में आई है तो उसका यूजेस क्या क्या था। कुछ एक यूजेस तो हमने देख लिया कि ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए राइटिंग्स की ज़रूरत थी, और कुछ अगर इन्फॉर्मेशन है तो उसे स्टोर करने के लिए इसकी ज़रूरत होती थी, किसी कहानी को लिखने के लिए इसकी ज़रूरत होती थी, बट एक इसका तीसरा यूज़ भी था एंड दैट वॉज प्रिटी मच इंटरेस्टिंग। दैट वॉज कि राइटिंग जो है एक अथॉरिटी के टूल के तरह भी यूज़ की जाती थी। इट वॉज यूज बाई किंग्स टू शो द साइन ऑफ सुपीरियोरिटी। इसको समझने के लिए आपको एक कहानी सुननी पड़ेगी एन मर्कर की, जो कि था उरुक का राज। तो चलते हैं एनसीईआरटी में एंड सी की स्टोरी में क्या है। एंड हेयर वी हैव ऑन द एनसीईआरटी, दिस इज अ स्टोरी ऑफ एन मर्कर। एन मर्कर उरुक का राजा होता है एंड उरुक में, जैसा मैंने कहा था कि क्राफ्ट प्रोडक्शन बहुत सारे होते थे, तो ऐसे भी क्राफ्ट्स बनाए जाते थे जिनके रॉ मटेरियल को बाहरी इलाकों से लाया जाता था, फॉर एग्जांपल सीरिया से, इजिप्ट से, तुर्की से। तो यहाँ पे यही एग्जांपल दिखाया गया है, दैट इज अ फिक्शनल स्टोरी। एन मर्कर जो है वो लैपिस लजुलाई और बाकी प्रीशियस मेटल से कुछ क्राफ्ट बनवाना चाहते थे और वो चीज़ वहाँ उरुक शहर में मिलती नहीं थी, तो उसने अपने दूत को भेजा अरट्टा नाम की जगह पे। ये भी अगेन एक फिक्शनल जगह है, कौन सी जगह है हमें कोई क्लैरिटी नहीं है। तो वहाँ उसने अपने दूत को भेजा कि वहाँ पे राजा से बात करो और वहाँ पे मटेरियल्स मिलते हैं तो वहाँ से ये प्रोक्योर करके उरुक लेके आओ। और दूत उनका जाता है और इस कहानी में लिखा गया है कि उसके दूत ने बहुत लंबी दूरी तय की, दिन में वो सूरज से गाइडेंस लेके चलता रहा, रात में वो चांद और सितारों के द्वारा बताए हुए रास्ते पे चलता रहा, फिर वो बहुत सारे शहरों से गुजरा। एक शहर का नाम यहाँ पे है, सूसा नाम का शहर है। वो जब अपने माउंटेन से गुजर रहा था तो उसने सूसा के निवासियों को देखा कि वो उसको देख के नतमस्तक हुए एंड चूंकि वो बहुत ऊपर था तो वो उन्हें छोटे लगे, दे लुक्ड हिम लाइक द टिनी माइसेस। उसने 5 माउंटेन रेंजेस क्रॉस किए, 6 माउंटेन रेंजेस एंड 7 माउंटेन रेंजेस अल्टीमेटली क्रॉस किए, बहुत सारे समंदर को क्रॉस किया एंड देन ही रीच द सिटी ऑफ अरट्टा। वहाँ पे जब उसने वहाँ के चीफ को, राजा को बताया कि मुझे ये सब मटेरियल चाहिए, तो अरट्टा के चीफ ने डिनाई कर दिया, उसने देने से मना कर दिया एंड देन ही केम बैक टू उरुक, एन मर्कर को बताया, एन मर्कर ने वापस से उसे भेजा, अरट्टा का चीफ वापस से मना करता है और ये सिलसिला चलता रहा। अल्टीमेटली क्या होता है, एक बार मैसेंजर इसी चीज़ से थक हार के जब अरट्टा पहुंचा वापस से उन्हीं मटेरियल्स को मांगने के लिए, तो वहाँ पे वो अरट्टा के रूलर से ना अपनी डिमांड सही से रखना भूल गया। सो ही ग्रीव वेरी ऑफ माउथ, मतलब ही फंबल्ड बेसिकली। और ये चीज़ जब एन मर्कर को पता चलती है कि मेरे दूत को सही से वहाँ पे बोला नहीं गया एंड मेरा जो संदेश था वो सही से कम्युनिकेट नहीं हो पाया, तो वहाँ पे एन मर्कर ने डिसाइड किया कि मैं अपना संदेश इसके हाथों रिटर्न फॉर्मेट में भिजवाऊंगा एंड देन ही फॉर्म्ड अ क्ले टैबलेट इन हिज हैंड एंड उस पर अपना संदेश लिखा। सो दिस इज अ स्टोरी, इसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो
क्लियर टैबलेट्स पर राइटिंग की शुरुआत थी ये एनमर्कर नाम के राजा ने की थी। सो इस स्टोरी का आशय ये है। एंड ये स्टोरी ख़त्म कुछ इस तरीके से होती है कि जब ये टैबलेट अरेटा के रूलर ने लिया एंड ही सॉ द स्क्रिप्ट जो कि एक नेस कील की तरह थे, और ये स्क्रिप्ट कौन से हैं, क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट, तो उसका जो चेहरा था वो मुरझा गया। ही बिकेम सो मच स्केर्ड ऑफ द रूलर एनमर्कर एंड उसके बाद उसने जो है कहते हैं कि वो सामान दे दिया था। सो दिस टैबलेट दिस राइटिंग वॉज ऑल्सो यूज एज अ साइन ऑफ सुपीरियोरिटी, कि इसने अरट्टा के रूलर के ऊपर अपनी सुपीरियोरिटी दिखाने के लिए लेखनी की शुरुआत की। एंड इस फिक्शनल स्टोरी से ये भी पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की जा रही है कि एनमर्कर के द्वारा ही क्ले टैबलेट्स पर लेखनी की शुरुआत की गई है। बहरहाल दिस इज फिक्शनल एंड हम ऑलरेडी जानते हैं कि ऐसे बहुत सारी कहानियों में अलग अलग राजाओं को हीरो या जो प्रोटैगनिस्ट है वो दिखाया जाता है, कोशिश की जाती है दिखाने के। सो दैट इज बेसिकली वन ऑफ द यूजेस ऑफ राइटिंग। अब आगे बढ़ते हैं, हमने राइटिंग देख लिया, डेवलपमेंट देख लिया, अल्फाबेट्स देख लिए, जो सिलेबस से सारी चीज़ें देख ली, एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सिटी लाइफ, कि आखिर शहर जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, फिर चाहे वो उरूक हो, फिर चाहे वो बेबीलोन हो, फिर चाहे वो मारी हो, ये डेवलप कैसे हुए। सो लेट्स कम टू द पीपीटी अगेन एंड स्टार्ट द डेवलपमेंट ऑफ सिटीज। सो बिफोर वी स्टार्ट द सिटीज, स्टोरी ऑफ सिटीज, कुछ एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। हेयर वी हैव द फिफ्थ एमसीक्यू, व्हाट डज द वर्ड क्यूनस मीन इन अ क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट। क्यूनस वर्ड का क्या मतलब होता है, ग्रास, रिवर, वेज या शेप्ड, यू हैव टू टेल मी द आंसर इन द कॉमेंट बॉक्स। नाउ द नेक्स्ट एमसीक्यू जो कि एक स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यू है, यहाँ पे आपके सामने चार स्टेटमेंट है, सही स्टेटमेंट आपको चुनना है। मेसोपोटामियंस रोट ऑन टैबलेट ऑफ चर्ट, चर्ट के द्वारा बनाए गए टैबलेट पे लिखते थे। हॉर्स कार्ड्स जो थे वो चीपेस्ट और मोस्ट एफिशिएंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन माने जाते थे। मेसोपोटामियंस तुर्की, ईरान और हड़प्पा से स्टोन्स को और मेटल्स को इंपोर्ट करवाया करते थे, और राइटिंग जो है वो एक कॉमन अचीवमेंट माना जाता था, और ऑलमोस्ट हर आदमी मेसोपोटामिया का वो लिख सकता था और पढ़ सकता था। सो यू हैव टू टेल मी विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, ए बी सी डी, यहाँ पे आप मार्क कर ले ए बी सी डी एंड टेल मी द आंसर इन कॉमेंट बॉक्स, आई विल बी मोर देन हैप्पियर। एंड इसके अलावा इस चैप्टर के PDF और ऐसे ही और MCQs को अटेम्प्ट करने के लिए डू डाउनलोड अवर ऐप, वहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हमने डाल रखी हैं, सो एक्सप्लोर दैट। नाउ स्टार्टिंग द स्टोरी ऑफ सिटीज, शहरों की कहानी को शुरू करते हैं, और यहाँ पे मैंने अर्बनाइजेशन इन सदर्न मेसोपोटामिया लिखा है, क्योंकि मेसोपोटामिया के सदर्न रीजन में ही सबसे पहले शहर उभरे थे, जो हमने पहले देख लिया है। सो फ्रॉम 5000 BC ये जो सदर्न सेटलमेंट था मेसोपोटामिया का, वहाँ पे लोग रहना शुरू करते हैं। सो सेटलमेंट्स इमर्ज्ड अराउंड 5000 BC, और शहरों का इतिहास है वो 3500 BC के आसपास शुरू होता है। धीरे धीरे दी सेटलमेंट्स वेंट ऑन टू बिकेम सिटीज, और जो शहर बनते हैं, जितने भी शहर मेसोपोटामिया में बने, वो शहर तीन प्रकार के होते थे। पहला कैटेगरी था दोस टाउन्स, जो कि टेंपल्स के अराउंड बनते थे, दैट मीन्स पहले टेंपल बना, उसके बाद लोगों ने इसके करीब रहना शुरू किया एंड इससे जो है शहर बन गए। दूसरी कैटेगरी थी ऐसे शहरों की जो कि एज ए ट्रेड टाउन डेवलप हुए थे, जैसे वो ऐसे रूट पे लोकेटेड थे जहाँ पे व्यापार बहुत होता था, तो लोगों का जो है वहाँ पे जमावड़ा लगना शुरू हुआ, मार्केट बन गया, और फिर लोगों ने वहाँ पे रहना शुरू कर दिया। और तीसरी कैटेगरी है ऐसे शहरों की जहाँ पे राजा ने पहले बसना शुरू किया, और राजा के निकट चूंकि निवासी जो है वो अपने आप को सेफ महसूस करते हैं, तो दे स्टार्टेड लिविंग देयर, तो इस तरीके से भी शहर बने थे। तो यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर में बेसिकली इन दो प्रकार के शहरों को पढ़ेंगे, इंपीरियल सिटीज़ के बारे में हमें इस चैप्टर में नहीं पढ़ना। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टेंपल टाउन्स, की आखिर कैसे टेंपल से जो है वो टाउन्स की शुरुआत हुई, टाउन्स की डेवलपमेंट होती है। सो हेयर वी हैव द टेंपल टाउन ऑफ मेसोपोटामिया। सबसे पहले पुराने टेंपल्स के बारे में जानते हैं। हमें पता है कि मेसोपोटामिया में सबसे पहले टेंपल्स बनाए गए थे, और टेंपल बनाए कैसे गए, बेसिकली कुछ कुछ जगहों को जो है ना लोगों ने सैक्रेड मान के वहां पे कुछ स्थापित कर दिया, किसी की मूर्ति स्थापित कर दी। और जब आप किसी की मूर्ति स्थापित करते हैं, आइडल वर्शिप भी यही मेसोपोटामिया से ही शुरू हुई है। हमारे सनातन धर्म में आइडल वर्शिप बहुत बाद में जाके शुरू होती है, इट इज़ डेटेड बैक टू 4th और 5th century AD, नॉट BC। और यहाँ तो आप बात करें 3000 BC से आइडल वर्शिप हो रही है। सो वहाँ पर क्या किया, किसी स्थान को इन्होंने मार्क कर दिया एज सैक्रेड, कि ये हमारे लिए पवित्र स्थान है, और वहाँ पर भगवान की मूर्ति स्थापित कर दी। और जब ये जो मूर्ति स्थापित की, तो एक छोटा सा कमरा बनाना भी वहाँ पे लाजिम हो गया, कंपलसरी हो गया। तो शुरुआत के जो टेंपल थे, दे वर वेरी स्मॉल, और उनको कच्ची ईंटों से बनाया जाता था, बिल्कुल एक कमरे का टेंपल होता था। यहाँ पे स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, दिस इज अ टेंपल, ये आपका एंट्रांस है, और ये आपका अल्टर है फायर वेरी का, और ये आपका डेटी को यहाँ पे स्थापित किया जाता था, और दिस इज द ओवन, यहाँ पे खाना वगैरह बनाने के लिए भट्टी थी। सो टेंपल्स वेर द रेसिडेंस ऑफ वेरियस गॉड्स, इसीलिए अगर आप टेंपल्स देखेंगे ना पुराने वाले, सबसे अर्लीस्ट टेंपल, तो वो घरों के तरह ही बनाए जाते थे, क्योंकि वहाँ पे भी जैसे घर में लोग रहते हैं, तो टेंपल में जो है भगवान रहेंगे। और कुछ जो फेमस गॉड्स हैं उनके नाम आप याद रख सकते हैं, मून गॉड ऑफ उर, और इनाना द गॉडेस ऑफ लव, इनका भी मंदिर उर में ही था।
सो दैट वॉज बेसिकली अबाउट द अर्लीस्ट टेम्पल्स. इसके बाद अब टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो टेम्पल्स बनाए जा रहे थे वो कैसे थे. एक रूम का तो होता था बट वॉट वॉज ए स्पेसिफिक फीचर. सबसे पहले अगर बात करें तो अर्लीस्ट टेम्पल्स वेयर लाइक हाउस जो हमने देखा है, लेकिन समय के साथ वो बड़े होते गए. उनमें कर्ट यार्ड्स बहुत बड़े होने लगे, बहुत सारे रूम्स उसमें बनाए जाने लगे. और वो क्यों हुआ वो भी हम देखेंगे, क्योंकि टेम्पल एक मेन अर्बन इंस्टीट्यूशन बन के उभरता है. यहाँ पे लोगों का जमावड़ा लगता है, नॉट बिकॉज ऑफ रिलीजियस पर्पस ओनली बल्कि और भी पर्पसों के लिए. और अगर आप टेम्पल्स की इन जनरल फीचर की बात करें तो एक बहुत कॉमन फीचर था कि जो टेम्पल की दीवारें बनाई जाती थी वो इन और आउट होती थी. मतलब आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा बाहर निकला हुआ और फिर थोड़ा सा अंदर गया हुआ, फिर थोड़ा सा बाहर निकला हुआ, फिर थोड़ा सा अंदर गया हुआ. दिस इन एंड आउट स्ट्रक्चर वॉज रिपीटेड इन द रेगुलर इंटरवल. तो ये एक फीचर था. यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो मंदिर है ज़िगुरात के नाम से जाना जाता है. ये उर में ही बनाया गया था और ये टेम्पल टावर कहे जाते थे. मतलब एक टेम्पल तो होता ही था, बहुत ऊंचा टेम्पल होता था और यहाँ पे लगभग शहर की जो सारी मेन एक्टिविटीज हैं वो होती थी. सो दैट वॉज बेसिकली अबाउट द टेम्पल आर्किटेक्चर. अब हम देखेंगे कि कैसे टेम्पल ने एक रोल प्ले किया उन सेटलमेंट्स को शहर बनाने में. सो टेम्पल की बात करें तो सबसे पहले तो जब लोगों ने टेम्पल के आसपास रहना शुरू किया या जब टेम्पल स्थापित हुआ तो लोग पिलग्रिमेज के पर्पस से भी बहुत आया जाया करते थे. तो दे यूज टू ऑफर द गॉड, वो अपने अनाज का हिस्सा गॉड को देते थे. अगर वो पेस्टोरिज्म करते थे तो वो अपने दूध से बना हुआ कर्ड दिया करते थे. अगर वो फिशिंग करते थे तो फिश का एक हिस्सा दिया करते थे. सो गॉड बिकेम थियोरेटिकल ओनर ऑफ एग्रीकल्चरल फील्ड्स, उसका एक हिस्सा जा रहा है, फिशरीज का हिस्सा जा रहा है, और फिर जो हर्ड्स है यानी कि जो मवेशी है उनसे भी जो है दूध दही चढ़ावे के तौर पर टेम्पल में जाया जा रहा था. इसके अलावा टेम्पल में ये रिलीजियस पर्पस के लिए तो लोगों की श्रद्धा जुड़ी ही थी. अब टेम्पल्स में चूंकि कर्टयार्ड होते थे और एज ए हाउस होल्ड बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी होती है ना जो आपको कलेक्टिव लेवल पे करनी होती है. जैसे आपने हमारी पुरानी कहानियों में भी देखा होगा कि जैसे दूध मथने का जो काम है, मक्खन वगैरह निकालने का, वो औरतें एक साथ मिलकर करती है क्योंकि कलेक्टिव एफर्ट लगता है. तो ऐसे ही टेम्पल के कर्टयार्ड में बहुत सारी कलेक्टिव एक्टिविटीज होने लगी. सबसे पहला उसमें था कि ऑयल सीड्स जो होता है जिनसे तेल निकाला जाता है, पहले हमारे यहाँ गांव में भी पेड़ने के लिए ना कोलू का बैल होता था. अब तो चूंकि ये सारी चीज़ें इंडस्ट्रियलाइज हो चुकी है, लेकिन मेसोपोटामिया में इनको जो है तेल पेड़ने के लिए लोग जुड़ते थे और कर्टयार्ड में तेल पेड़ा जाता था. फिर अगर अनाजों को पीसना है तो वो भी काम वहाँ पे होता था. फिर कुछ बहुत बड़ी बुनाई करनी है तो वो भी वहाँ पे मिलजुल के लोग किया करते थे. सो प्रोसेसिंग ऑफ प्रोड्यूस वॉज ऑल्सो डन इन टेम्पल्स. इसके अलावा जब लोगों ने वहाँ पे इतने बड़े पैमाने पे जुड़ना शुरू किया तो वहाँ पे मर्केंट्स भी आने लगे. दे स्टार्टेड सेलिंग द गुड्स, दे स्टार्टेड परचेजिंग द रॉ मटेरियल्स जो टेम्पल से सीधे लोग लेने आते थे. अनाज बेच दिया तो वहाँ पे उनके लिए रॉ मटेरियल मिल गया, कपड़ा बेच दिया, तो इस टाइप से ट्रांजेक्शन बहुत सारे होने लगे. एंड फॉर दैट रीजन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना जरूरी था. तो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होकर वहीं पर टेम्पल में ही रख दिए जाते थे एज एन एविडेंस. सो इन दैट वे टेम्पल बिकेम द इम्पॉर्टेंट अर्बन इंस्टीट्यूशन, क्योंकि यहाँ पे तीन चीज़ें हो रही थी. टेम्पल वर्कड एज एन ऑर्गेनाइजर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब एग्रीकल्चरल जो भी प्रोड्यूस हो रहा है या टेक्सटाइल का जो भी कलेक्टिव प्रोडक्शन हो रहा है वो टेम्पल में ही हो रहा है. आपको कुछ बुनना है तो आप कपास लेके आ जाइए, वहाँ पे बुनिए. आपको अगर तेल पेड़ना है तो आप ऑयल सीड्स लेके आ जाइए, वहाँ पे पेड़ लेते हैं. अगर आपको अनाज पीसना है, मसाले बनाने हैं तो आप टेम्पल के कर्टयार्ड में करिए. इसके अलावा वहाँ पे मर्केंट्स आया करते थे तो इट ऑल्सो वर्क लाइक एन एम्प्लॉयर ऑफ मर्केंट्स. और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट वॉज अ कीपर ऑफ रिटन रिकॉर्ड्स. तो इसीलिए टेम्पल इमर्ज्ड एज एन इम्पॉर्टेंट अर्बन इंस्टीट्यूशन. और इसी की वजह से जब इन शहरों में राजा आते हैं, जो कि हम आगे देखेंगे कि कैसे इन शहरों में किंगशिप स्थापित हुआ, तो जो राजा होता था सबसे अर्लीस्ट फॉर्म में वो प्रीस्ट भी होता था, टेम्पल का मेन पुजारी भी होता था. तो यहाँ से किंग प्रीस्ट का कॉन्सेप्ट इमर्ज होता है कि आप शहर की सबसे बड़ी अथॉरिटी भी हैं एंड आप टेम्पल की भी सबसे बड़ी अथॉरिटी हैं. ठीक है, तो दोनों पोजीशन सेम होती थी. बाद में फिर इन दोनों को अलग अलग किया गया कि राजा अलग होगा और मुख्य पुजारी अलग होगा. अब हम बात करते हैं कि आखिर राजा कैसे बने, क्योंकि टेम्पल के आसपास ही जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ठीक है, उनको कंट्रोल करने के लिए या टेम्पल को जब बड़ा बनाया गया, बाद में इतने बड़े टेम्पल्स बनवाया गया, शहरों को बनाया गया, डिफेंसिव वॉल्स हम लोग देखते हैं, तो इसके लिए कोई किंगशिप, कोई अथॉरिटी का होना ज़रूरी है. तो उसका कॉन्सेप्ट कैसे आया उसको समझना पड़ेगा आपको मेसोपोटामिया के कॉन्फ्लिक्ट की हिस्ट्री से. मेसोपोटामिया में अक्सर कॉन्फ्लिक्ट हुआ करते थे, एक शहर दूसरे शहर के बीच, एक गाँव दूसरे गाँव के बीच. और उन कॉन्फ्लिक्ट का दो रीज़न था, एक तो लैंड और एक वाटर. एक लैंड और एक वाटर. लैंड में ऐसा कि जैसे मान लेते हैं एक गांव के लोगों ने क्या किया, अपने मवेशियों को दूसरे गांव के खेतों में भेज दिया चढ़ने को, और क्या करते थे वो खेतों की फसल उजाड़ देते थे, तो इस वजह से बराबर लड़ाई होती थी. और दूसरा वाटर के ऊपर तो सबसे ज्यादा लड़ाई थी. जैसे अगर यूफ्रेट्स की बात करेंगे तो वो नॉर्थ से साउथ की तरफ बहता, तो यहाँ पे मान लेते एक शहर है मारी और यहाँ पे मान लेते एक शहर है उरुक. हालांकि मारी और उरुक बहुत दूर में है, तो मारी के लोगों ने क्या किया जो है पानी बहुत यूज कर लिया अपने खेतों में,
और इससे जो है उरू के लोगों तक पानी कम पहुंच रहा है, उनके खेतों में जितना रिक्वायर्ड है उतनी पानी नहीं पहुंच रही है, तो अब ये लोग लड़ेंगे। सो इस कॉन्फ्लिक्ट के वजह से जो है ना बहुत सारे वॉर लॉर्ड्स इमर्ज हुए, बहुत सारे चीफ्स इमर्ज हुए, क्योंकि आप जब लड़ाई करने जाते हैं तो यू नीड अ लीडरशिप, तो इस वजह से वॉर लॉर्ड्स इमर्ज हुए। एंड देन उन वॉर लॉर्ड से जो है राजाओं का जो है उदय होता है, इमर्जेंस होता है। तो उस पूरे प्रोसेस को हम देखेंगे इन द नेक्स्ट स्लाइड, द इमर्जेंस ऑफ किंगशिप। सबसे पहले बात करेंगे कि वॉरलॉर्ड्स कैसे इमर्ज हुए। सो वॉरलॉर्ड्स इमर्ज्ड आउट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट ओवर लैंड एंड वाटर। सो बिकॉज ऑफ दीज कॉन्स्टेंट कॉन्फ्लिक्ट्स ये जो चीफ्स है वो इमर्ज हुए। शुरुआत में जो चीफ थे उनको केवल लड़ाइयों से मतलब था, लड़ाई करते थे और दूसरे गांव को हरा दिया, और वहां से जो भी वॉर बूटी प्राप्त हुई मतलब दूसरे टेरिटरी को हराने के बाद जो लूट का माल प्राप्त होता था उसको कुछ अपने पास भी रखते थे, और बाकी अपने सोल्जर्स जिन्होंने भी वॉर में पार्टिसिपेट किया उनमें बांट दिया करते थे। दैट वाज द लिमिटेड फंक्शन ऑफ चीफ, ठीक है। और बाकी जो प्रिजनर्स है मतलब जिस टेरिटरी को हराया गया है वहां पे जो लोग होंगे उनको एज अ कैप्टिव रख लिया करते थे, उसको मजदूर बना दिया, अपने गार्ड के तौर पर रख लिया। सो दैट वाज द लाइफ ऑफ वॉरलॉर्ड्स। इनको कोई बहुत ज्यादा इज्जत नहीं मिलती थी आफ्टर द वॉर, क्योंकि वो लोगों के लिए ज्यादा कुछ नहीं करते थे। बट फिर क्या होता है कि ये जो चीफ्स हैं वो थोड़े थोड़े कंपैशनेट होना शुरू हुए। उन्होंने क्या किया, अब लोगों के वेलबींग का ध्यान रखना शुरू किया। सो विद द टाइम लीडरशिप केम इन टू इंक्रीज एंड द वेल लीडरशिप केम टू इंक्रीज द वेलबींग ऑफ कम्युनिटी। नाउ दे स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट द कम्युनिटी कि हम भाई जिनको लड़ाई में लीड करते हैं उनके ऑर्डिनरी लाइफ में भी तो प्रॉब्लम्स है ना, वी शुड सॉर्ट आउट दैट। हमें उनके इरीगेशन की व्यवस्था करनी चाहिए, हमें जो उन देवताओं को वो इतना श्रद्धा से देखते हैं उनके टेम्पल्स को और डेकोरेट करवाना चाहिए, ट्रेड के लिए जो है और अच्छी सुविधाएं बनानी चाहिए, ठीक है। सो विक्टोरियस चीफ्स बिगेन टू ऑफर प्रीशियस बूटी टू गॉड्स। अब तक ये केवल बूटी अपने में बांटते थे, अब उन्होंने भगवान को चढ़ावा देना शुरू किया, क्योंकि भगवान का बाकी सारे लोगों से एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। और ये चीज़ आप बाकी आने वाले सारे एम्पायर्स में देखोगे, जब भी राजा को जनता का लोकल एक्सेप्टेंस चाहिए होता है तो वो हमेशा जनता को स्पिरिचुअली अट्रैक्ट करेगा। वो कहेगा कि हमें तुम्हारे गॉड से सिंपैथी है। जिस भी एम्पायर को देखो उसने हमेशा लोगों को रिलीजियस जो है वो चूड़न देके अट्रैक्ट करने की कोशिश की है। एंड दे यूज टू ब्यूटीफाई द टेम्पल्स, और अगेन आप टेम्पल को ब्यूटीफाई करेंगे, गॉड्स को चीज़ें चढ़ावा में चढ़ाएंगे, तो इससे क्या है लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, लोग आपकी इज्जत करेंगे। एंड दे यूज टू ऑर्गेनाइज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्पल वेल्थ एज वेल। अब जो टेम्पल में वेल्थ एज ए ऑफर दिया जाता था उसको समय समय पर डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाता था। तो ये सब जब राजाओं ने करना शुरू किया तो लोगों की उनके नज़र में एक अलग इज्जत बनी, एंड देन दे स्टार्टेड बिकमिंग अथॉरिटेटिव। तब उनको एक हाई स्टेटस दिया गया, जनता ने उनके कमांड को एक्सेप्ट किया। तो उसके बाद से जो वॉर लॉर्ड्स हैं दे वर नाउ बीइंग ट्रीटेड एज किंग, और यहाँ से किंगशिप का कॉन्सेप्ट आया। और शुरुआत में जो किंग थे दे यूज टू बी द प्रीस्ट ऑल्सो, द चीफ प्रीस्ट ऑफ द टेम्पल, और इसी वजह से किंग प्रीस्ट का कॉन्सेप्ट आया मेसोपोटामिया में। इस किंग प्रीस्ट के कॉन्सेप्ट को आप याद रखेंगे, 12th क्लास के पहले चैप्टर में ये वर्ड वापस से रिपीट होगा, वहां पे मैं फिर रेफरेंस दूंगा कि इस वर्ड का क्यों हमने यहाँ पे यूज किया। सो दैट इज बेसिकली हाउ द किंगशिप इमर्ज्ड इन मेसोपोटामिया। और जैसे ही किंगशिप इमर्ज हुई तो फिर सोशल डिफरेंसेस भी आएंगे। अब किसी के पास ज्यादा पैसा होगा, किसी के पास कम पैसा होगा। कंपैरेटिवली जो रॉयल्टी थी, जो राजा रहते थे, राजा का परिवार था, उनके पास ज्यादा पैसा होता था, और जो आम जनमानस थे उनके पास कम पैसा होगा। ये एविडेंस हमें मिलता है उनकी कब्रों से, जब हमने एनालाइज किया राजाओं की कब्रों को, देन वी गॉट टू नो कि उनके कब्रों में बहुत सारे धन दौलत के साथ उनको दफनाया गया है, बल्कि जो आम जनमानस है उनको बहुत सिंपल कब्रों में दफनाया जाता था। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कि आखिर ये जो राजा थे उन्होंने कैसे शहरों के एक्सपेंशन में कॉन्ट्रीब्यूट किया, कैसे उनके वजह से शहरों की पॉपुलेशन बढ़ी, शहरों का साइज बढ़ा। सो सबसे पहले जो है लोग शहरों के निकट क्यों माइग्रेट करते थे, क्यों रहना शुरू करते थे, तीन रीजन थे इसके। पहला, टेम्पल, भगवान के आसपास रहने से सुकून मिलता था। दूसरा, राजा के आसपास रहने से उनको एज ए सिक्योरिटी महसूस होती थी, तो वो रहते थे। और तीसरा रीज़न था नेचुरल, ये कि कभी कताल क्या होता है, नदियों का जो कोर्स है ना वो अलग हो जाता है, कोर्स मतलब उनका जो रास्ता है वो अलग हो जाता है। तो पहले मान लेते बहुत सारे गाँव तक नदी का पानी पहुँचता था, अब नहीं पहुँचता। तो देन दे स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स द सिटी, क्योंकि सिटी में हमेशा स्टोरेज एडवांस में होता है। हमने पढ़ रखा था कि सिटी में ऑर्गेनाइज स्टोरेज होता है अनाजों का, क्राफ्ट्स का, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। अगर एक साल दो साल हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वीक भी जाए तो भी समस्या ना हो खाने पीने की। सो देन दे स्टार्टेड माइग्रेटिंग टू द टाउन्स टू बी क्लोज टू किंग्स, टू बी क्लोज टू टेम्पल, एंड बिकॉज ऑफ नेचुरल रीजंस ऑल्सो। एंड इस वजह से
3000 BC में उरुक का जो एरिया था दैट एक्सपेंडेड टू 250 हेक्टेयर्स एंड इसके आसपास के दर्जनों गांव जो है वो डेजर्ट हो गए, लोगों ने शहरों के चकाचौंध में उनको छोड़ दिया। अब जब इतने पॉपुलेशन वहां रह रहे थे तो किंग्स स्टार्टेड बिल्डिंग द डिफेंसिव वॉल्स और ये बहुत पुराने बहुत मजबूत डिफेंसिव वॉल्स थे जिनके बारे में इस चैप्टर के लास्ट में गिलगमेश की एक कहानी है उसमें इसका जिक्र आएगा। एंड इसके बाद जो है उरुक धीरे धीरे और आगे बढ़ता है, मतलब 200 साल बाद अगर देखें तो उरुक अब 400 हेक्टेयर के एरियाज तक पहुंच चुका था। सो दैट वाज द हमंगस एरिया, मोहनजोदड़ो वगैरह भी इतने बड़े एरिया पे नहीं स्प्रेड थे, फैले हुए थे। इसके अलावा राजा के शासन में बहुत सारी और एडवांसमेंट भी हुई क्राफ्ट प्रोडक्शन में, आर्किटेक्चर में, टेंपल बिल्डिंग में, तो उनको देखते हैं। सबसे पहले राजा ने क्या किया, मोबिलाइजेशन शुरू किया लेबर का। ये जो बड़े बड़े टेंपल बने हैं या बड़ी बड़ी इमारतें बनी हैं वो सैकड़ों हजारों लेबर के मोबिलाइजेशन के बाद बनी है और उसके मोबिलाइजेशन के लिए एक लीडर चाहिए होता है, आपको काम करवाने के लिए एक लीडर चाहिए जिसकी बात सब माने। सो नाउ आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ किंगशिप मोबिलाइजेशन ऑफ लेबर वॉज नाउ पॉसिबल और इस वजह से बड़े बड़े टेम्पल्स बनाए गए और टेम्पल में योगदान देना, टेम्पल कंस्ट्रक्शन में योगदान देना वॉर कैप्टिव्स एज वेल एज द लोकल पीपल उन दोनों के लिए कंपलसरी था। जैसे लैंड टैक्स कंपलसरी था वैसे ही वॉर कैप्टिव्स और लोकल्स के लिए टेम्पल कंस्ट्रक्शन में कॉन्ट्रीब्यूशन कंपलसरी था और इसके अलावा लैंड टैक्स भी कंपलसरी था, हालांकि लैंड टैक्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेम्पल कंस्ट्रक्शन में कॉन्ट्रीब्यूशन माना जाता था। इसके अलावा लेबर्स जो थे जो इसमें काम करते थे उनको राशन पे किए जाते थे, बहुत सारी राशन लिस्ट के हमें टैबलेट्स मिले हैं इन टेंपल के आसपास क्योंकि वो टेंपल में रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता था। एंड राजा ने ये कोशिश की कि जो ब्रॉन्ज है वो हमारे शहरों में अवेलेबल हो पाए ताकि ब्रॉन्ज टूल्स बनाए जा सके फॉर द वेपन एंड फॉर द क्राफ्ट प्रोडक्शन। इसके अलावा जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनको प्रेरित किया गया कि आप दुनिया घूमें और वहाँ की जो टेक्नोलॉजी है उनको सीखें, खुद नई टेक्नोलॉजी ईजाद करें। तो इसके बाद वहाँ के जो आर्किटेक्ट थे उरुक के उन्होंने ब्रिक कॉलम्स बनाना शुरू किया। ब्रिक कॉलम बेसिकली क्या होता है कि आप जब कोई पिलर बनाते हैं ना तो उसके ऊपर आप एक कॉलम बनाते हैं जिससे कि जो छत है पूरा वो ठहर सके, ठीक है। तो ये कॉलम बनाने से आपके छत में स्टेबिलिटी आती है और इसकी शुरुआत उरुक में हुई थी। इसके अलावा उरुक में स्टोन्स को प्रोक्योर किया जा रहा था अलग अलग जगहों से ताकि डिफरेंट टाइप के जो क्राफ्ट्स हैं उनको बनाया जा सके। एंड एक बहुत बड़ा अचीवमेंट उरुक के लोगों ने अचीव किया था, दैट वॉज कि पॉटर व्हील जो है वो बड़े पैमाने पर यूज़ किया जा रहा था, जो चाक है ना, ठीक है। इससे क्या होता है कि बहुत मिट्टी के बर्तन आप एक साथ कम टाइम में बना सकते हैं। सो पॉटर व्हील वॉज बींग यूज एंड दैट ऑल वॉज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ किंगशिप। That is the role of kingship in the expansion of city to provide the stability and contribute in the advancement of city. और जैसा हमने बात किया है राजा और प्रजा में डिफरेंस होता था, सो देर वॉज अ सोशल डिफरेंस। राजा और रानी की जो कब्रें थी बहुत पैसों के साथ, बहुत धन दौलत आभूषणों के साथ उनको दफनाया जाता था, वहीं पर जो आम जनमानस थे उनकी कब्रें बहुत हमें सिंपल देखने को मिली है। अब कुछ हम लोग फोटोज को देखेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ये जानेंगे कि आखिर मेसोपोटामियन सील क्या था, उसका यूज क्या होता था एंड देन इस शहरों में ऑर्डिनरी लोगों की लाइफ कैसी थी। ओके, होप कि ये लेक्चर आपको पसंद आ रहा होगा। इफ यू आर लाइकिंग इट प्लीज मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक जरूर करें एंड सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आगे के चैप्टर्स को देखने के लिए या ट्वेल्थ में ऐसी वीडियोस को देखने के लिए यू विल बी नीडिंग अस क्योंकि हमारे टाइप का एक्सप्लेनेशन टू बी ऑनेस्ट किसी के पास नहीं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोज एज वेल, मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन। सो अगर तस्वीर की बात करते हैं तो सबसे पहले आप ये तस्वीर देखें, ये एक मेसोपोटामियन टेंपल की तस्वीर है और यहाँ पे भी आप देखेंगे ना कि ये जो इन एंड आउट वाला स्ट्रक्चर है, मतलब दीवार यहाँ पे थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है और फिर अंदर की तरफ है, फिर बाहर निकला हुआ है, फिर आगे अंदर की तरफ है, ये पैटर्न आपको कॉन्सिस्टेंटली हर एक टेंपल में देखने को मिलेगा। अब दो इमेज है यहाँ पे, दिस इज स्टील, स्टील मतलब जहाँ पे किसी हार्ड सर्फेस पे कुछ उकेरा जाता था, जनरली स्टोन स्लैब्स पे चीज़ें उकेरी जाती थी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सो ये जो बेसल्ट का स्टील है इसमें एक राजा है, दो रोल इसका दिखाया जा रहा है। यहाँ पे एक जानवर को वो स्पीयर से अटैक कर रहा है और उसी जानवर को यहाँ पे वो तीर से मार रहा है। और दूसरी तस्वीर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये कमांडर है और ये आपके वॉर प्रिजनर है, ये किसी सील की जो है छाप है और यहाँ पे फिर दो लोग हैं जो डंडा कर रहे हैं प्रिजनर्स को। तो ये दिखाता है कि प्रिजनर्स कितने असहाय हो जाते थे एंड इनको एज ए स्लेव ही ट्रीट किया जाता था। Now we are going to talk about the Mesopotamian seal. So this is the seal. अगर आप बात करें seal का utility क्या था, सबसे पहले तो seal के बारे में समझें। Seal जो होता था वो cylindrical होता था, that used to be cylindrical. And seal का इस्तेमाल क्या होता था, तो seal जो है दो purpose के लिए इस्तेमाल में लाए जाते थे। पहला purpose था security and दूसरा purpose था identification. जैसे मैंने अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर सील लगा दी है तो उससे मेरी आइडेंटिटी जाहिर हो जाती है। हर सील में कुछ ना कुछ कोड होता था जिससे पता कर लेता था रिसीवर कि ये कहाँ से आया। और उसके अलावा अगर सील टूटा हुआ मिला उस रिसीवर को तो समझ जाइए कि उस ऑब्जेक्ट के सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है।
सो दैट यूज टू बी अ साइन ऑफ सिक्योरिटी एंड आइडेंटिटी एज वेल. अब सील की अगर बात करें तो ये जो आप देख रहे हैं ना सिलेंडर का, ये सील है ठीक है. इसमें अलग अलग आकृतियां होती थी, इनको एक क्ले का यहाँ पे पट्ट बनाया जाता था, रेक्टेंगुलर चिकना सा वेट, और उसके ऊपर इस सिलेंड्रिकल सील को रोल कर दिया जाता था ताकि ये जो आकृति है वो इसमें छप जाए. और फिर जो ये तैयार हुए टैबलेट्स क्ले के, इनको सुखा दिया गया और इसको फिर यूज किया जाता था कंसाइनमेंट्स में. जैसे कपड़े का कोई कंसाइनमेंट है तो उसके ऊपर चिपका दिया, या कोई मिट्टी का बर्तन भेज रहे हो तो उसके ऊपर ये चिपका दिया. सो इस तरीके से एक बार में बहुत सारे सील्स लगाए जा सकते थे. और अगर हम बात करें हरप्पन सिविलाइजेशन की, तो वहां पे तो सील का छाप छोड़ा जाता था, मतलब कोई कलर मिला के वहां पे सील लगाया जाता था. यहाँ पे मिट्टी के क्ले के उस पे इसको रोल कर दिया जा रहा है तो वो सील की आकृति बन रही है और उसको चिपका दिया जा रहा है. सो डिफरेंट स्टाइल है, बट सील का पर्पस वही है, मार्क ऑफ ऑथेंटिसिटी एज वेल एज द मार्क ऑफ सिक्योरिटी. अब आगे बढ़ते हैं और मेसोपोटामिया के शहर में जो ऑर्डिनरी लोग रह रहे थे उनके लाइफस्टाइल पे थोड़ा सा नजर डालते हैं. सबसे पहले हमने बात की सोशल डिफरेंस की, तो हमने देख लिया था कि सोसाइटी जो है वो इक्वल या एगैलिटेरियन नहीं है. एगैलिटेरियन का मतलब होता है इक्वल सोसाइटी, वो सोसाइटी नहीं थी. राजाओं के पास और जो अथॉरिटेटिव क्लास था उनके पास ज़्यादा पैसा था, विच इज़ एविडेंट फ्रॉम द ग्रेवयार्ड्स. जब हम कब्रों को देखते हैं तो उनके साथ बहुत सारे धन दौलत को दफनाया गया है और आम लोगों की कब्रें बहुत सिंपल साधारण थी. अब बात कर लेते हैं इनका फैमिली स्ट्रक्चर कैसा था आम लोगों का. सो न्यूक्लियर फैमिली वॉज अ नॉर्म, लेकिन ऐसा भी हमें एविडेंस मिला है कि बच्चे जो है शादी के बाद अपने माता पिता के साथ रहते थे. फादर यूज टू बी द हेड ऑफ फैमिली, क्योंकि ये पैट्रियार्कल फैमिली थी और पिता की जो प्रॉपर्टी थी वो जनरली बेटों में बढ़ती थी. ठीक है, दैट वॉज बेसिकली द फैमिली स्ट्रक्चर. अब बात करते हैं मैरिज की, तो मैरिज का जो सिस्टम था वो बहुत इंटरेस्टिंग था. यहाँ पे जो ग्रूम की फैमिली है, लड़के की फैमिली, वो एक डिक्लेरेशन देती थी. जैसे आज के न्यूज़पेपर में क्लासिफाइड या एडवर्टीजमेंट डालते हैं ना हम लोग मैट्रिमोनी पे कि एक लड़की चाहिए और लड़के का पूरा बायोडाटा डाला, तो वहाँ पर लड़की के लिए एक डिक्लेरेशन दिया जाता था कि हमें एक लड़की चाहिए. और फिर लड़की की फैमिली अगर राजी होती है, अपना कंसेंट देती है, तो फिर बात आगे बढ़ती थी. सो इट वॉज द ओनस ऑफ ब्राइड्स पेरेंट्स, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी टू गिव द कंसेंट. और कंसेंट जब दे दिया गया तो फिर बात बनी और रिश्ते की शुरुआत हुई. उसके बाद जब ब्राइड की फैमिली ने अपनी कंसेंट दे दी है तो ग्रूम की फैमिली में, तो लड़के की फैमिली ब्राइड की फैमिली को गिफ्ट देता था. इसको आप उस जमाने का दहेज कह सकते हैं. एंड देन एट द टाइम ऑफ मैरिज गिफ्ट्स एक्सचेंज किए जाते थे दोनों पार्टीज की तरफ से. दो लोग साथ में खाना खाते थे दोनों. उसके बाद टेम्पल्स में ऑफरिंग किए जाते थे. एंड विदाई में जब लड़की जाती थी, उससे पहले उसके जो फादर थे वो अपने प्रॉपर्टी का कुछ शेयर जो है, जो भी उसके इनहेरिटेंस में उनको ऐसा लगता है जायज़ है, वो दे दिया जाता था. हालांकि दैट वाज नॉट द रिटन नॉर्म, बट ये जो है वो एक कल्चर था कि विदाई से पहले बेटी को कुछ दे के विदा करना है. अब बात कर लेते हैं मेसोपोटामियन शहरों के बड़ी स्ट्रक्चर की, कि आखिर लोगों को दफनाया कैसे जाता था. उर शहर में हमें सिमेट्री का एविडेंस मिला है. जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता होगा वहाँ पे रॉयल फैमिलीज और कॉमनर्स दोनों को दफनाया जाता था. एंड उन्हीं ग्रेव्स को एनालाइज करने के बाद वी केम टू द कंक्लूजन कि रॉयल्टी को धन धनाद के साथ दफनाया जाता था, बल्कि आम लोगों की जो कब्रें थी बहुत सिंपल होती थी. और कुछ इंडिविजुअल्स हमें ऐसे भी मिले हैं जिनकी जो लाशें हैं, जिनकी जो डेड बॉडीज होती थी, उनको घर के फ्लोर के नीचे दफनाया जाता था. हो सकता है कि उसके पीछे उन लोगों का कोई सुपरस्टिशंस रहता होगा, क्योंकि मेसोपोटामियंस अंधविश्वासी बहुत थे, जो कि आगे आपको पता चलेगा. सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द सिटी आर्किटेक्चर, कि आखिर शहर बनाए कैसे जाते थे. और इसके लिए हम एक ऊर शहर का एग्जाम्पल लेंगे, और ऐसे ही ऑलमोस्ट सारे शहर थे. सो सबसे पहले बात करें अगर रोड और ड्रेनेज की, द टाउन प्लानिंग, तो टाउन प्लानिंग नाम की कोई भी चीज़ थी नहीं. बेसिकली टाउन्स बहुत ही ज़्यादा हेजल मैनर में बनाए जाते थे, घर बहुत क्लोज थे और स्ट्रीट्स जो थी बहुत नैरो थी, छोटी और सकड़ी गलियाँ थी. ऐसा कहा जाता है कि जो हॉर्स कार्ट है वो घरों तक पहुँच भी नहीं पाता होगा. तो चौराहे पे उन घोड़े गाड़ियों से सामान उतार दिए जाते थे, और उसके बाद जो अनाज की बोरियां हैं या चारकोल लकड़ी का हो गया, ये सब खच्चड़ों पे लाद के घरों तक पहुंचाया जाता था. और हाउस प्लॉट्स भी, अभी मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा, दे वेयर वेरी इरेगुलर शेप. कोई जो सड़कें हैं, जैसा आप मोहनजोदड़ो में देखेंगे अगले क्लास में, कि सड़कें बहुत चौड़ी हैं, हर घर के बीच जो है अच्छा खासा स्पेस दिया गया, हर घर जो है उसकी नाली और जो मेन स्ट्रीट ड्रेन है वो कनेक्टेड होता था. यहाँ पे तो ड्रेनेज का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कोई स्ट्रीट ड्रेन यहाँ पे नहीं है. सो देर वॉज नो स्ट्रीट ड्रेन्स अनलाइक मोहनजोदड़ो, जहाँ पे बहुत चौड़ी चौड़ी नालियाँ थी, सड़कों से वो कनेक्टेड होती थी. एंड हेयर यू कैन सी द सिटी आर्किटेक्चर ऑफ उर. यहाँ पे आप देखें घरों को कितना क्लोज बनाया गया, और सड़कें जो है वो कितनी पतली है, कितनी पतली है. दो ही आपको ठीक ठाक सड़क देखने को मिल रही है, एक ये और एक ये, बाकी सारी जो सड़कें हैं बहुत पतली है, लाइक नैरो स्ट्रीट्स.
उसके बाद अगर बात करें डोमेस्टिक आर्किटेक्चर की तो हमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलती है। वैसे तो सड़कों में नालियाँ नहीं थी बट घरों के अंदर नाली थी और क्ले पाइप्स बनाए गए थे मिट्टी के। अच्छा, वो पाइप्स किस लिए थे? क्योंकि जो छत का पानी है, बारिश का पानी, वो छत के थ्रू घर के अंदर आता था। मतलब जो हाउस रूफ से दी यूज टू स्लोप इनवर्ड्स, आउटवर्ड्स नहीं, क्योंकि सड़कों पे तो नालियाँ ही नहीं है, तो अगर पानी सड़कों पे बहाएंगे तो जल जमाव लग जाएगा। तो ये घरों में उस पानी को लाते थे और फिर उन नालियों के जरिए वो जो पानी है दैट यूज टू गेट चैनल्ड इनटू अ सम्प, एक वो छोटा सा हौद बना लिया करते थे और उसमें वो पानी जमा हो जाता था एंड विद द टाइम वो मिट्टी में एब्जॉर्ब हो जाता था। सो दैट वॉज बेसिकली द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ पीपल ऑफ ओल्ड। और जो हाउस होल्ड वेस्ट था, चूंकि घरों की जो नालियाँ हैं कोई किचन से तो कनेक्टेड होती नहीं थी, एकमात्र वर्षा के पानी के लिए नाली बनाई गई है, उसके अलावा जितने भी वेस्ट थे हाउस होल्ड के वो सब लोग अपने सड़कों पे फेंक दिया करते थे अपने घर के बाहर जनरली। और इस वजह से क्या होता था कि जब आप कचड़े को बराबर फेंकते जाएंगे सड़कों पे तो वो जमा होके एक मलबा बन जाएगा। सो इट बेसिकली विल इंक्रीज द हाइट ऑफ रोड और उसके वजह से लोगों को अपने ड्यूडियों की हाइट भी बढ़ानी पड़ती थी। अपने घर को तो ऊंचा नहीं कर पाते थे, अपने घर की चौखट को ऊंचा कर देते थे ताकि जो रोड का लेवल है उससे ऊपर उनका चौखट रहे और रोड का पानी उनके घर में ना आ पाए। सो ओवर द टाइम द थ्रेशहोल्ड्स ऑफ हाउस वेर रेज्ड सो दैट वाटर कुड नॉट इंटर द हाउस। इसके अलावा मेसोपोटामियंस के डोमेस्टिक आर्किटेक्चर में आपको प्राइवेसी का भी कंसर्न देखने को मिलेगा। वो कुछ ऐसे कि उनके घरों में खिड़कियां नहीं होती थी तो सनलाइट के लिए वो लोग क्या करते थे, जैसे उनका घर कुछ इस टाइप से होता था, ये घर है और बीच में कर्टियार्ड हुआ और ये जो सारे रूम्स हैं ये बने हुए। तो आम घरों में मान लेते हैं कि खिड़कियाँ होती है रोड की तरफ और वहाँ से रोशनी आती है, इन्होंने क्या किया था, गेट बनाए थे जो कर्टियार्ड में खुलते थे और कर्टियार्ड चूंकि खुला होता था तो कर्टियार्ड में सीधे सूरज की रोशनी पहुँचती थी। और चूंकि ये गेट जब आप खोल देंगे ना, जो कर्टियार्ड की तरफ खुलते हैं घरों के गेट, तो वहाँ से जो है रोशनी अंदर आया करती थी। सो देर वॉज नो विंडो, लाइट केम इन टू रूम वाई डोरवेज विच ओपन इन द कर्टियार्ड। सो दैट वॉज बेसिकली द सिटी आर्किटेक्चर। अब इससे जुड़े कुछ अंधविश्वास है उनको देख लेते हैं। सो देर वेर सम सुपरस्टिशंस। पहला सुपरस्टिशन ये है कि ड्यूडी लोग हमेशा कहते थे कि बना ऊपर करके रखो, रेज्ड थ्रेशहोल्ड ब्राउट वेल्थ। ये एक टैबलेट में भी हमें देखने को मिला है, उर से जो टैबलेट रिकवर किया था, कि आप अगर ऊंची ड्यूडी बनाएंगे, चौखट बनाएंगे तो आप ज़्यादा अमीर होंगे। इसके अलावा आपको अपना जो फ्रंट डोर है वो किसी दूसरे के घर की तरफ नहीं खोलना चाहिए, अपने अंदर खोलना चाहिए। और इसी तरीके से जो मेन एंट्रांस है, एक और थ्योरी थी, एक तो ये कहा गया था कि अगर आपका फ्रंट डोर आपके पड़ोसी के घर के सामने खुलेगा, मतलब बाहर की तरफ खुलेगा, तो आपका घर अशुभ है, दैट इज नॉट लकी, ठीक है। उसके बाद जो मेन डोर था इसको कहा गया था कि आप आउटवर्ड नहीं खोले, बात बराबर ही है, अगर अंदर खोलेंगे ना तो आपके पर्सनल लाइफ के लिए बड़ा अच्छा होगा। सो जिस घर के दरवाजे जो है मेन दरवाजा, मेन एंट्रांस, वो अगर बाहर की तरफ खुल रहे हैं, वहां पे जो औरतें हैं वो एक श्राप की तरह साबित होंगी अपने हस्बैंड के लिए। तो एक इस टाइप का सुपरस्टिशन हमें उर में देखने को मिलता है। और ये सुपरस्टिशंस या आफ्टर लाइफ की थ्योरी आप हर एक एंशियंट सिविलाइजेशन में पाएंगे, क्योंकि ये दैट वॉज अ पार्ट ऑफ लाइफ, इनके इंटरटेनमेंट का और इनके क्यूरियोसिटी का एक बहुत बड़ा साधन था। अब आगे बढ़ते हैं, हमने उर की कहानी पढ़ ली, हमने टेंपल टाउन्स की कहानी पढ़ ली, हमने राजाओं के बारे में पढ़ लिया, एंड नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दो सिटीज जो कि डेवलप हुए थे ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड। उससे पहले कुछ एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। सो हियर वी हैव द एमसीक्यू, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ गॉड और गॉडेस ऑफ मेसोपोटामिया? ज़ियस, इनाना, ओडिन या थॉर? यू हैव टू टेल मी द आंसर्स इन द कॉमेंट बॉक्स। एंड देन द नेक्स्ट एमसीक्यू, अगेन आपको करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे चुनना है। पहला, ग्रेव्स ऑफ रॉयल्टी एंड कॉमनर्स वेर सेम, टेम्पल वॉज द मेन अर्बन इंस्टीट्यूशन, द मेसोपोटामियन सिटीज वेर वेल प्लान्ड, एंड बोथ बी एंड सी। अगर आपको लगता है कि बी और सी दोनों सही है, देन गो फॉर ऑप्शन डी। एंड नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक विच इज रिगार्डिंग अ सिटी विच डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड, जिसका नाम था मारी। सो दिस इज द टाउन ऑफ मारी। सबसे पहले इसके ज्योग्राफिकल लोकेशन को जान लेते हैं कि ये आखिर लोकेटेड कहाँ पे था। तो ये लोकेटेड था यूफ्रेट्स के एकदम बीच में, ये साउदर्न रीजन की तरफ नहीं था, इट वॉज लोकेटेड इन द मिडल ऑफ यूफ्रेट्स, नीचे की तरफ नहीं। और इसका जो इमर्जेंस है वो कहा जाता है 2000 BC के आसपास एक शहर के रूप में डेवलप हुआ और वहाँ के जो राजा थे उसका ये कैपिटल बनता है। और बाद में फिर ये जो मारी है, जब ये बेबीलोनियन एम्पायर बड़ा हुआ तो उसी का पार्ट बन गया, उसके राजाओं ने इस पर कब्जा कर लिया। सो इट वॉज लोकेटेड इन द अप स्ट्रीम ऑफ यूफ्रेट्स, नीचे की तरफ नहीं ऊपर की तरफ, अप स्ट्रीम पर लोकेटेड था। बड़ा अच्छा लोकेशन था क्योंकि अगर आप इस नक्शे को देखेंगे तो हियर इज़ अ मारी, ठीक है, और यहाँ पे आप देखें तो ये जो डॉटेड लैंड है दैट इज़ द लैंड विच वॉज यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर, और इसके बाद ये जो येलो है वो ऐसी ज़मीन थी जो एग्रीकल्चरल लैंड को पेस्टोरल लैंड से अलग करती थी, और ये गैप ज़रूरी था क्योंकि कभी कताल इन इलाकों में बाढ़ का पानी जमा हो जाता था, तो ये जो खाली ज़मीन थी वहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाता था। तो यहाँ पे इसके बाद जो ब्राउन रीजन है दैट इज़
जो ये पेस्टोरल लैंड है, यहाँ पे आप पशुचारण कर सकते हैं, मवेशियों को चढ़ा सकते हैं। सो मारी के आसपास एग्रीकल्चरल लैंड भी है, एग्रीकल्चरल लैंड के बाद पेस्टोरल लैंड भी है, और इन दोनों के बीच ठीक ठाक गैप भी है ताकि कल को अगर बाढ़ आए, ओवरफ्लो हो पानी, तो यहाँ तक ना पहुँचे। सो दिस इज वाई एग्रीकल्चर एंड पेस्टोरिज्म बोथ वॉज पॉसिबल एट मारी। तो मारी के अगर सेटलमेंट के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहला फीचर ये है कि यहाँ पे जो भी कम्युनिटीज आती है, और मेसोपोटामिया के शहरों में एक बहुत कॉमन फीचर था कि अलग अलग एथनिसिटी के लोग यहाँ पे आके रहते थे, जैसे असीरियंस आके रहने लगे, अकेडियंस आके रहने लगे, एमोराइट्स आके रहने लगे, तो उसमें फार्मर्स भी थे, उसमें कुछ पेस्टोरलिस्ट भी थे, दे यूज टू लिव टुगेदर, और हर्डर्स जो थे वो अपने ग्रेन्स की नीड के लिए चीज़ को, लेदर को, मीट को एक्सचेंज किया करते थे। ऐसे ही किसानों को अगर मीट की, लेदर की ज़रूरत पड़ती तो अनाजों को एक्सचेंज कर लिया पेस्टोरलिस्ट से। लेकिन इन दोनों कम्युनिटी में बारंबार जो है वो कॉन्फ्लिक्ट भी होता था, कॉन्फ्लिक्ट बहुत सारे कारणों से होता था, बट दो मेजर कारण थे। पहला कारण था कि जो हर्डर्स थे ना, ये बहुत घुसपैठिए टाइप के थे, वो क्या करते थे, किसानों की ज़मीन में ऐसे घुसते हुए नदियों की तरफ चले जाएंगे। जैसे अगर आप पिछले स्लाइड में आपने मैप देखा होगा, तो पेस्टर लैंड के बाद एग्रीकल्चरल लैंड एंड उसके बाद नदी आती थी, तो उनको ऐसे ही क्रॉस करके अपने मवेशियों को पानी पिलाने ले जाते थे। इससे क्या होता था कि उनका जो एग्रीकल्चर ज़मीन था, अनाज फसल वगैरह, वो तबाह हो जाता था। तो दैट वाज द रीज़न बिहाइंड कॉन्फ्लिक्ट। और इसके अलावा कभी कभी जानबूझ के ये हर्डर्स, चूंकि फिजिकली स्ट्रांग होते थे किसानों से, तो उनके ऊपर रेड भी मारा करते थे। तो इन सब का बदला लेने के लिए विलेजर्स क्या करते थे कि उन्होंने नदियों का पानी देने से इनकार कर दिया, वो वहाँ पे अपनी टीम बिठा देते थे ताकि ना तो इनके मवेशी और ना ये मवेशी चढ़ाने वाले पानी पी सके। तो इन दोनों रीजन से बराबर जो है कॉन्फ्लिक्ट होता था, और फिर इन्हीं कॉन्फ्लिक्ट से जो है लोकल चीफ इमर्ज हुए होंगे, और यहाँ पे भी जो है किंगशिप की स्थापना हुई। वैसे तो बहुत सारे अलग अलग एथनिसिटी के लोग यहाँ पे आए, लेकिन यहाँ पे रूलर्स जो बने दे वेर द एमोराइट्स। एमोराइट्स वेर द पीपल हु वाज नॉट द लोकल ऑफ मारी, ये भी बाहर से आए थे, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एमोराइट्स दिखते कैसे थे। तो ये एमोराइट्स जो है ना, मारी के लोकल लोगों से अलग दिखते थे। अगर मेसोपोटामिया के लोकल लोगों की बात करें, एमोराइट्स केम बियॉन्ड द रीजन ऑफ मेसोपोटामिया। तो मेसोपोटामिया के लोकल लोग जो है ना, वो स्कर्ट पहना करते थे, ठीक है, और ऊपर उनका बदन नंगा होता था। यहाँ पे अगर आप देखें तो स्कर्ट नहीं है, एक बहुत बड़ा चोगा है जो कि यहाँ तक लटक रहा है। ऐसी जो ड्रेसेस आप ग्रीस में काफ़ी लोगों को देखते हुए पहनेंगे आगे चल के, रोमन अंपायर में, नॉट ग्रीस, रोमन अंपायर में, ग्रीस में भी स्कर्ट का कल्चर था। सो दे ड्रेस डिफरेंट दैन द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ मारी, लेकिन उन्होंने मारी के लोगों के रिलीजन की, उनके गॉड्स की इज्जत की, मंदिर भी बनवाया। एक एविडेंस है जहाँ पे दगन एक है जो गॉड ऑफ स्टेपी माने जाते हैं, पेस्टोरलिस्ट और एग्रीकल्चर दोनों के लिए बहुत श्रद्धेय थे, दोनों के लिए बहुत पूजनीय थे, तो इनका मंदिर बनवाए थे एमोराइट्स के लोगों ने। एंड दीज वर द रीज़न जिस वजह से जो है लोकल्स इनको सपोर्ट करते थे। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि अगर किसी राजा को लोकल सपोर्ट चाहिए तो हमेशा उस धर्म को इज्जत दे जो मेजॉरिटी में, सिंपल बात है, दैट इज द रूल ऑफ पॉलिटिक्स, और ये चीज़ कंस्टेंटली आपको फॉलो होते देखेगी। अब आगे बढ़ते हैं, मारी के ट्रेड के बारे में जानते हैं कि आखिर मारी को जब हम कहते हैं कि इट डेवलप्ड बिकॉज ऑफ ट्रेड, तो क्यों डेवलप हुआ। सबसे पहले मारी की जो लोकेशन थी बहुत सूटेबल थी फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड, एकदम यूफ्रेट्स के बीच में है, और जो भी नाव जाएंगे, जो भी नाव आएंगे, उन सब के ऊपर नजरें रखी जा सकती थी। तो मारी इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ एन अर्बन सेंटर प्रॉस्पेरिंग ऑन ट्रेड। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कौन कौन से सामान का ट्रेड होता था इसके थ्रू, और फिर देखेंगे कि कैसे यहाँ के लोग उससे पैसा कमाते थे। सो बहुत सारे गुड्स ट्रेड किए जाते थे। अमूमन हमने देखा था कि मेसोपोटामिया के जो शहर थे उसमें मिनरल्स और मेटल्स वगैरह नहीं थे, तो बाहर से जो है वुड आता था, कॉपर आता था, टिन आता था, कॉपर और टिन को मिला के ब्रॉन्ज बनाया जाता था जो कि बहुत डिमांडेड कमोडिटी थी। इसके अलावा ऑयल बाहर से आता था, वाइन, मिनरल्स बाहर से आते थे। मेसोपोटामियंस जो है तुर्की, सीरिया, लेबनान, सिप्रस, इन सब अलग अलग जगहों से ट्रेड किया करते थे। मिनरल्स जो है वो तुर्की से आते थे, सिप्रस जिसका नाम अलाशिया से मेंशन किया गया है टैबलेट्स में, वहाँ से कॉपर और टिन आता था और जिससे ब्रॉन्ज बनता था। तो ये सिप्रस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने चैप्टर के शुरू में जब आपको वेस्ट एशिया की ज्योग्राफी दिखाई थी तो सिप्रस का भी आइलैंड आपको बताया था। सो दीज गुड्स वेर ट्रेडेड, और मेसोपोटामिया से क्या जाता था, मोस्टली एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। तो मेसोपोटामिया से जो सामान जाता था, और वो भी साउदर्न मेसोपोटामिया से ही जाएगा क्योंकि वहीं पे एग्रीकल्चर अच्छा होता था, तो यहाँ से सामान जो जाते थे उनसे पैसा नहीं कमाते थे मारी के लोग, क्योंकि वो तो उन्हीं के एम्पायर का पार्ट हुआ, लेकिन बाहर से जो पैसा आता था, बाहर से जो सामान आते थे उन पर ये लोग पैसा कमाते थे। सो इट वॉज अ काइंड ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी, ठीक है, जो कि सामान जब अंदर आते थे तो बाहर से सामान लाने वालों को पे करना पड़ता था। सो हाउ द रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड, सबसे पहले जो भी सामान बाहर से आते थे, सीरिया, लेबनान, तुर्की से, उस तरफ से, सिप्रस से, उनके नावों को रोका जाता था मारी में, और पुलिस ऑफिसर्स इंस्पेक्ट किया करते थे कि उस नाव में कितने वैल्यू का सामान है, और टोटल वैल्यू के जो 10% है उतना टैक्स लगाया जाता था। सो इस वजह से जो है मारी एक्सट्रीमली प्रॉस्पेरस हुआ। अब आप इमेजिन करें कि इतने सामानों का इनफ्लो है अंदर की तरफ, तो हर बोट पे अगर आप 10% का टैक्स लेंगे तो कितने आप अमीर बन जाएंगे। सो मारी वॉज वेरी प्रॉस्पेरस,
नॉट बिकॉज इट वॉज वेरी मिलिट्री पावरफुल, बट बिकॉज ये ऐसे लोकेलिटी में था, ऐसे लोकेशन पे था कि ट्रेड से इसने बहुत पैसे कमाए. लेकिन इस ट्रेड से पैसे कमाने में कुछ कुछ चैलेंजेस भी थे विच द किंग्स ऑफ मारी हैड टू सॉल्व. सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो था हर्डर्स का. ये जो पेस्टोरलिस्ट थे इनके पास कोई स्टेबल इनकम होती नहीं थी, तो ये अमूमन क्या करते थे, नावों को अटैक किया करते थे. और इसके ऊपर जो है मारी के पुलिस वालों की इनकी नज़रें हुआ करती थी. हमने टैबलेट्स देखे हैं जिसमें पत्र व्यवहार के तौर पे बताया है एक पुलिस वाले ने दूसरे पुलिस वाले को कि हर्डर्स को, एक हर्डर का गुट जो है उससे हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है क्योंकि मैंने पिछली रात को कुछ साइंस वगैरह देखे थे. ठीक है, तो वी हैव टू बी अलर्ट ऑन दैट. सो दीज वर द चैलेंजेस इन ट्रेड एंड ओवर द ऑल इन सबको सॉल्व किया जाता था एंड मारी बिकेम वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्पेरस टाउन. फिर बाद में बेबीलोनियन एम्पायर का ये पार्ट बन गया. सो दैट वॉज द स्टोरी ऑफ मारी जो कि एक ट्रेड टाउन के तौर पे मेसोपोटामिया में डेवलप हुआ. अब हम आगे बढ़ते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि इन शहरों के बारे में जिनके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं उनका आखिर मेसोपोटामियंस की नज़रों में क्या इंपॉर्टेंस था. सो द इम्पॉर्टेंस ऑफ सिटीज इन द आइज ऑफ मेसोपोटामियन पॉपुलेशन या इन द आइज ऑफ मेसोपोटामियन किंग्स. सबसे पहली बात कि मेसोपोटामियंस चाहे वो नॉर्मल पॉपुलेशन हो या चाहे वो राजा हो, दे यूज टू हेल्ड हाई प्राइड फॉर देयर सिटीज. बहुत गर्व उनको महसूस होता था अपने शहरों के ऊपर, जो कि उनके लिटरेचर से आप महसूस कर सकते हैं, देखा जा सकता है. दो बहुत फेमस लिटरेचर है, एक तो एनमर्कर की कहानी और एक गिलगमेश की कहानी. एनमर्कर की कहानी में हमने देखा था कि एनमर्कर अपने शहर को लेकर कितना पैशनेट था कि वो वहाँ पे तरह तरह के क्राफ्ट्स बनाना चाह रहा है, फिर वहाँ पे डिफेंसिव वॉल्स बनाने की शुरुआत करता है. सो दैट वाज बेसिकली हाउ पैशनेट एनमर्कर वॉज. उसके बाद गिलगमेश की कहानी भी बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है. इसको अगर आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे, मैं यहाँ पे समराइज कर देता हूँ. कहानी बेसिकली ये है कि गिलगमेश बहुत पावरफुल रूलर था उरुक का, और ये दोनों उरुक के ही है. तो गिलगमेश बहुत पावरफुल था और बहुत चीज़ें इसने अचीव की, लेकिन अचानक से इसके बहुत अजीज दोस्त की जो है डेथ हो जाती है. अब गिलगमेश बहुत दुखी हो गया एंड उसने कहा कि यार मैंने इतना कुछ अचीव किया लेकिन अगर मैं अपने दोस्त को ही नहीं बचा पाया तो क्या अचीव किया. तो उसने सोचा कि कोई तो ऐसी दवा होगी जिससे मौत के ऊपर विजय प्राप्त की जा सके. सो उस एलिक्सिर के तलाश में, उस अमरत्व के तत्व की तलाश में कि कैसे अमरता को प्राप्त किया जाए, वो पूरी दुनिया को घूमता है. और जब वो पूरी दुनिया को घूम के थक गया, ही कुड नॉट फाइंड द एलिक्सिर, वो अमृत प्राप्त नहीं कर पाया, तो वापस आता है उरुक. और एक दिन ऐसे ही उरुक के चारदीवारी के ऊपर टहल रहा था और अचानक से उरुक के बुनियादी ईंटों पे उसकी नज़र पड़ती है, जो बेसमेंट, जो फाउंडेशन है. तो उसे ध्यान आया कि कितनी मेहनत से मेरे पूर्वज ने और मेरी प्रजा ने शहर को बनाया है, तो मुझे इस अमरता को ढूंढने की क्या ज़रूरत है. मेरे काम और मेरे पूर्वजों और मेरी प्रजा की जो खुशी है वो इस उरुक शहर में दिखती है. ठीक है, सो दैट वॉज बेसिकली द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस फॉर गिलगमेश. दैट वॉज बेसिकली हाउ गिलगमेश बिकेम कॉन्टेंट. उसको बिल्कुल परवाह नहीं थी कि वो मरेगा, उसके बच्चे इसके बाद रूल करेंगे. ही वॉज नॉट हैप्पी बिकॉज कि ये शहर उसके बच्चे बाद में रूल करेंगे. ही वॉज हैप्पी बिकॉज ही, हिज एंसेस्टर्स एंड हिज पॉपुलेशन, जो प्रजा थी, उसने एक ऐसे शहर का निर्माण किया जो कि बहुत दिनों तक याद रखा जाएगा. सो दैट वॉज बेसिकली द significance of cities in the eyes of Mesopotamian people and in the eyes of Mesopotamian kings. हो सकता है गिलगमेश के पिक के बारे में आपसे पूछा जाए, तो इस समरी को आप लिख सकते हैं. सो दैट्स ऑल इन द सिटीज ऑफ मेसोपोटामियन कल्चर. अब हम लोग इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे विद द लास्ट टॉपिक, जिसमें हम लोग मेसोपोटामिया के राइटिंग की लेगेसी को देखेंगे कि कौन सी चीज़ें हैं मेसोपोटामियन राइटिंग्स की जो टाइम को सरपास करते हुए आज तक जिंदा है. तो वी आर गोइंग टू सी द लेगेसी ऑफ राइटिंग. सबसे दो चीज़ें जो है मेसोपोटामियन राइटिंग्स की, वैसे तो मेसोपोटामियन राइटिंग, मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के ख़त्म होने के बहुत बाद तक जारी रहा उनका चलन, लेकिन दो चीज़ें हैं जो कि आज तक हम लोग फॉलो करते हैं. दैट इज़ अ टाइम रिकॉर्डिंग, उनका टाइम डिविजन का कैलकुलेशन, और उनकी मैथमेटिक्स, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं. सबसे बेसिक तो स्क्वायर और क्यूब रूट आता है, जिसका एविडेंस हमें 1800 BC के आसपास मिले एक टैबलेट से मिलता है. उसके बाद टाइम रिकॉर्डिंग का कॉन्सेप्ट, जिसमें एक साल को 12 महीने में, फिर उनको हफ्तों में, फिर उनको दिनों में, फिर दिनों को घंटों में, घंटों को सेकंड्स में बांटा गया. एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ लूनर एंड सोलर एक्लिप्स. देखो ये चीज़ें जो है ना बहुत कौतूहल की चीज़ें थी. पुराने ज़माने में चाहे इंडियन कल्चर हो, पर्शियन कल्चर हो, ग्रीस कल्चर हो, चंद्र और सूर्य ग्रहण को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व किया जाता था, और ये मेसोपोटामिया में भी हमें देखने को मिलता है. लेकिन ये ऑब्जर्वेशन के साथ साथ उस टाइम के कॉन्स्टलेशन को भी देखा करते थे कि भाई तारों का क्या पोजिशन है, क्या सिचुएशन है अभी कॉन्स्टलेशन की. दैट वॉज बेसिकली रिमार्केबल. सो दीज लेगेसी ऑफ मेसोपोटामियन राइटिंग्स has made Mesopotamian immortal. उन्होंने जो है Mesopotamian culture को एक तरीके से immortal, अमर बना दिया है. और यहाँ पे एक चीज़ बहुत गौर करने वाली है कि आखिर वो कौन से फैक्टर्स थे जिनकी वजह से एक तरफ Mesopotamia में बहुत हाई क्वालिटी का लिटरेचर प्रोड्यूस हो रहा है, हाई क्वालिटी की मैथमेटिक्स जो है उसके ऊपर रिसर्च की जा रही है, और फिर भी Mesopotamia का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बड़ा स्मूथली चल रहा है. तो वॉट मेड दिस पॉसिबल, हाउ कम दिस बी पॉसिबल.
तो इसके पीछे जिम्मेदार है मेसोपोटामिया का अर्बन एजुकेशन सिस्टम। बेसिकली उनका जो अर्बन एजुकेशन सिस्टम था उसमें दो प्रकार के स्टूडेंट्स ट्रेन किए जाते थे। एक कैटेगरी ऐसे स्टूडेंट्स की थी जिनको नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ट्रेन किया जाता था, पॉलिटिक्स हो गया या स्क्राइब बनाया जाता था जिससे वो इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सके। और दूसरी कैटेगरी ऐसे स्टूडेंट को थी जिनको स्पेशली ऐसे जो काम थे जो हाईली इंटेलेक्चुअल नेचर के होते थे, लिटरेचर लिखना या मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट, मैथमेटिक्स में रिसर्च करना, एस्ट्रोनॉमी के ऊपर रिसर्च करना, उनके लिए ट्रेन किया जाता था। तो इस वजह से हमें मेसोपोटामिया की इतनी सारी अचीवमेंट्स देखने को मिलती है। सो द स्कूलिंग सिस्टम ऑफ मेसोपोटामिया सिटीज वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। सो दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हमने ऑलमोस्ट शुरू से लेकर हर चीज़ देख ली, मेसोपोटामिया के ज्योग्राफी से लेके, मेसोपोटामिया के एग्रीकल्चर, मेसोपोटामिया के शहर, मेसोपोटामिया के राजा, मेसोपोटामिया के मंदिर, मेसोपोटामिया के राइटिंग सिस्टम, सब कुछ देख लिया। और अब कुछ एक बॉक्स बचे रह गए, और जैसा कि मैंने बताया था कि इस चैप्टर में मैं सब कुछ कंक्लूड करूंगा, तो इमेजेस तो मैंने सारी पढ़ा दी हैं। अब कुछ जो दो तीन बॉक्स बचे रह गए उनको मैंने सेपरेटली एक वीडियो में कवर किया है, उसके लिंक यहाँ नीचे दे दी गई है। एंड दिस इज सरप्राइज फॉर यू ऑल, जो लोग यहाँ तक पहुँचे उन्हीं को पता है कि भाई उस वीडियो में क्या है। सो क्लिक ऑन दैट वीडियो, उस बॉक्स में सारी चीज़ें एलैबोरेटेड है, उसे सवाल तो एग्जाम में नहीं पूछे जा सकते बट आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगी। एंड नाउ वी आर गोइंग टू कंक्लूड दिस चैप्टर विद द लास्ट टू MCQs। आई होप कि आप इसे भी सॉल्व करेंगे। एंड थैंक यू फॉर द पेशेंस। हु अमंग द फॉलोइंग रूल्ड मारी, अकेडियंस, सुमेरियंस, असीरियंस या एमोराइट्स? एंड द लास्ट MCQ, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच, दगान मारी, एनमर्कर उरूक, गिलगमेश अक्कर या बोथ ए एंड बी? अगर ये दोनों जो है वो गलत है तो आपको फिर ऑप्शन डी सेलेक्ट करना है। और मैच आप देख सकते हैं कौन कहाँ पे लोकेटेड है या कौन कहाँ का राजा था, उस बेसिस पे यहाँ पे मैच बनाया गया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर बीइंग टिल द एंड। और ऐसे ही लेक्चर्स के लिए मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन। एंड बाकी सारी प्लेलिस्ट के लिंक हमने यहाँ पे डाल दिए, डाउनलोड द ऐप, ऐसे MCQs आपको वहाँ पे मिलेंगे। यू जस्ट हैव टू गो टू द फ्री मटेरियल सेक्शन, और इसके नोट्स के लिए भी आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। एंड फर्दर यू कैन चेक आवर कोर्सेस इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।